हेलो गाइस, दिस इज दीपक वांसल, ओल्ड स्कूल एजुकेशन देसी यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप PSPCL का LDC का जो कि 3 जनवरी 2020 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर थी उसमें आप सोल्व करवावेंगे। यही अपना कलर्क का पेपर थी, ठीक है। यह कंप्यूटर बेस्ड पेपर थी, ठीक है। कंप्यूटर से यह पेपर होया थी। इस 100 क्वेश्चन आए थे, जिसनों नहीं पता की सिलेबस है उन्होंने मैं दस दिना। इस 25 क्वेश्चन अपने मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन अपने GK दे आते हैं, 20 क्वेश्चन अपने इंग्लिश दे आते हैं, तो 10 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर दे आते हैं। तो टोटल कितने हो गए अपने 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 पांच सब्जेक्ट होंगे अपने को, जिदे 100 क्वेश्चन का यह पेपर होगा, ठीक है। नैगेटिव मार्किंग होंगी, नैगेटिव मार्किंग 0.25 की होंगी है, ठीक है। तो हम आप शुरू कर दें। सब तो पहले थोड़े सामने की आऊगी GK आऊगी, ठीक है। तो हम आप GK शुरू कर दें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह अपना स्टैटिक GK का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक GK तो मैंने देखा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक GK वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रोंग करके जाना, ठीक है। स्टैटिक GK जिनी हो सके पढ़ के जानी है। पहला क्वेश्चन की थी, कहते द हिल स्टेशन ऑफ पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जोड़ा पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जोड़ा पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वह कि स्टेट के राज्य लोकेटड है, स्थित है, यह आप दसना थी। तो यह सही आंसर आजगा ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के है अपना कि हिल स्टेशन, पंचमढ़ी। अगे वह सैकेंड क्वेश्चन से। ओके, सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन अपना साइंस है, साइंस केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का यह पोर्शन आया थी, तो इस पूछा गया था, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एटम, जी पानी की संगनता है वह कितने सब तो ज़्यादा होंगी है, मैक्सीमम होंगी आप दसना जी। बहुत ईजी क्वेश्चन थी, ये 4 डिग्री सैलसीयस होंगे, ठीक है। इस समझाने का कुछ नहीं, अपन बस याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सीमम कितने होंगी है, 4 डिग्री सैलसीयस से होंगी है। अगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूरनामेंट इन इंडिया, यह भी अपना आ गया स्टैटिक GK का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्टैटिक GK का क्वेश्चन है, इस पूछा गया, कहते विच इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूरनामेंट इन इंडिया, कहते केड़ा सब तो पुराना फुटबॉल टूरनामेंट है इंडिया का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यह है अपना दुरंद कप, ठीक है। दुरंद कप की है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूरनामेंट है, एक कदों फाउंड किया गया थी, 1888 इसमें फाउंड किया गया थी, तकरीबन कितने साल हो गए, 133 साल, ठीक है। 133 साल पुराना है अपना दुरंद कप, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूरनामेंट। अगे बंद। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अपना, यह भी अपना स्टैटिक GK का आ गया, ठीक है। स्टैटिक GK का क्वेश्चन है, कहते द ओरछा फोर्ट कॉम्पलैक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कहते ओरछा जो फोर्ट है, फोर्ट किन्दा किला, ठीक है। जो ओरछा का किला है, कॉम्पलैक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट, वो कि स्टेट के लोकेटेड है दसना थी। तो यह सही आंसर आ जाना थी ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के यह किला है ओरछा फोर्ट, ठीक है। आ इसकी पिक्चर है। अगे बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया अपना, यह भी अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये अपना साइंस का पोर्शन है, तो एक चीज़ आप देखिए कि साइंस के केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहते व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल दसना है, तो यह बहुत ईजी क्वेश्चन आप सबको पता है, AU, ठीक है। तो याद रखियो पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे तुम याद करके जाने ने, घट्टो घट टाइम मान के चलो कि 30 से लेकर 40 तक तो याद करके जाने, उन्होंने एटोमिक नंबर, उन्हों का पीरियोडिक सिंबल, ठीक है, केमिकल सिंबल, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी, उन्हों का मास कितना थी, ये सब कुछ तुम्हें याद करके जाना, क्योंकि ये तो पूछा जा सकता। ओके, सिक्स क्वेश्चन, कहते अपार्ट फ्रॉम रविंद्र नाथ टैगोर को छड़ के, कहते इन्हों की फैमिली के टैगोर फैमिली के किसने किया परफॉर्म रोल वाइस चांसलर का इन विश्वा भारती यूनीवर्सिटी, विश्व भारती जी यूनीवर्सिटी है उस वाइस चांसलर कौन रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, लेकिन इन्हों तो इलावा इन्हों की फैमिली के होर कौन रहे आप दसना थी। तो यह सही आंसर आ जाऊगा अपना सैकेंड, इंदिरा देवी चौधरानी, ठीक है। इंदिरा देवी चौधरानी ये थी अपने वाइस चांसलर विश्व भारती यूनीवर्सिटी के, ठीक है। तो किन्ना सिस्टर ने, इस सिस्टर ने अपने सुरेंद्रनाथ टैगोर दे, ठीक है, ये भी तुम याद रखना। देखो तुम एक चीज़ दसदा भी आप ज़्यादा डिटेल के नहीं जाना, ठीक है, आप क्विकली करना क्योंकि आप 100 क्वेश्चन करवाने ने, जिदे तकरीबन 50 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के, जो आप 10 क्वेश्चन भी मैथ रीजनिंग के करवा लग जाने
ठीक है, वो भी वीडियो जी अपनी 40 मिनट की बन जाती है, जैसे सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाने होंगे ने, लेकिन 50 क्वेश्चन करवाने ने, तो मैं चाहना कि यही वीडियो अपनी तकरीबन 1.5 घंटे की बन जाए, ठीक है, देखते हैं किन्ने घंटे की बनती है, पर मैं चाहना मैक्सिमम इस तो उपर ना जाए, ठीक है, तो आप क्विकली करा। तो जी मैं आह क्वेश्चन है जी, कहते विच कंट्री होस्टड द 2019 एशियन समिट। देखो यही क्वेश्चन जी आप देखिए, यही अपना बनता है करंट अफेयर का, करंट अफेयर का बनता है, क्यों करंट अफेयर का बनता है, क्योंकि 2020 का पेपर थी जनवरी का, तो 2019 के सबमिट हो चुकी थी, 2019 के आप कह सकते हैं यह अक्टूबर नवंबर के हो चुकी थी, तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, करके ये जो अपना करंट अफेयर आ गया, ठीक है, तो स्टैटिक जी के करंट अफेयर इन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। तो इन्होंने पूछा था कि विच कंट्री होस्टड द 2019 एशियन समिट, ये कितने ऑर्गेनाइज की गई थी, ये आप दसना थी, कहता सही आंसर आजू अपना थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड हुई थी, थाईलैंड गई थी, की गई 2019 के, फिर उस तो बाद वियतनाम की गई थी, फिर ब्रूनी के 2021, ठीक है, यह अक्टूबर के होगी हजे, जो तुम मतलब अगस्त के वीडियो देख रहे हो तो हजे ये होनी है, ठीक है। तो इस तो इलावा देखो एशियन की फुल फॉर्म मैं दस देना सूँ, कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका मतलब दसो, एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना, इसके हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखियो ये है जकार्ता दे विच, जकार्ता कितने, जकार्ता ये है इंडोनेशिया दे विच, ठीक है, इंडोनेशिया दे विच एशियन जो सबमिट कि एशियन सबमिट किए जाते, ठीक है, ये हेडक्वार्टर ने, पर कितने कितने गए जी, थाईलैंड वियतनाम तो हूँ कितने होंगे ब्रूनी दे विच, ये याद रखियो। अगे बढ़ते हैं, ओके, अठवां क्वेश्चन, कहते सचर कमेटी रिपोर्टड इज रिलेटड टू रिलीजन माइनोरिटी, जी सचर कमेटी की रिपोर्ट थी वह कि रिलीजन माइनोरिटी ने बिलोंग करती थी, तेरा सही आंसर आजगा सी मुस्लिम, ठीक है, अगे बढ़ते हैं, ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, कहते कोंडापल्ली बोमालू हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की जी हाथ चीज़ा बनाई जाती, जी चीज़ा हाथ बनाई जाती हैं उन्होंने कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, कहते कोंडापल्ली बोमालू हैंडीक्राफ्ट विच हैज़ रिसीव जी आई टैग, ठीक है, जी आई टैग की होंगे किसी खास चीज़ों किसी सिर्फ उही बंदे उसनू उगा सकते हैं, जिम्मे किसी बासमती राइस में जी आई टैग मिले हुआ, ठीक है, स्पैशल उगाए जाते हैं अपने एरिए किसी पर्टिकुलर एरिए तो उसू जी आई टैग मिलता, किसी स्पैशल चीज़ों जी आई टैग दिता जाता है, ठीक है। तो ये कहते जोड़ा ये कोंडापल्ली बोमालू हैंडीक्राफ्ट का जो टैग मिले, ठीक है, वह मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट ने कितों के बिलोंग करते हैं, तो किस स्टेट में मिले ये दसना थी आप, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया किस स्टेट में बिलोंग करते हैं ये आप दसना थी, तो सही आंसर आजगा सैकेंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बिलोंग करते हैं, बस नाम याद रख लियो, कोंडापल्ली बोमालू हैंडीक्राफ्ट कितों बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें तुम्हें याद करनी ने, यह भी आप कह सकते करंट अफेयर ही आ गया, क्योंकि उस टाइम यह जी आई टैग मिले थी, तो उस टाइम जरा मतलब पेपर कंडक्ट करवा रहा थी, जो पा रहा थी पेपर उसने बस उस टाइम सोच लिया होगा, मतलब पढ़ रहा होगा अखबार सामने वे आ गया होना वो पाता होगा, तो याद रखियो कि 6 तो लेकर 7 महीने के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, तो तकरीबन 3 तो लेकर देखो तुम 6-7 थोड़े मुश्किल होंगे ने, 3 तो लेकर 4 तक तो बिल्कुल ही कंप्लीटली कर लो, जमी चंकी तरह ही कर लो, लेकिन 6 तो लेकर 7 तक जो पिछले होर 3 महीने ने उन्होंने भी देख लियो, मतलब उन्होंने भी मतलब पढ़ लियो भी जो आ भी गया तो अटैम्प्ट कर सको। कहते वट डज ई स्टैंड फॉर ई पी जैड, ई पी जैड की है, ठीक है, ई पी जैड के आप दसने ई का की मतलब है, देखो ई पी जैड की होंगे एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोनस, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन, तो ई का की मतलब हो गया एक्सपोर्ट, तो यह मतलब यह आजगा, ओके। 11वां क्वेश्चन, कहते विद विच गेम कैन वन एसोसीएटड द नेम रानी रामपाल, राणी रामपाल का जो नाम है वह कि गेम जुड़िया हुआ है यह दसना जी आप, आंसर जो सी होकी, ठीक है, होकी नाल बिलोंग करते हैं। अगे ओके 12वां क्वेश्चन, कहते वट डज पी स्टैंड फॉर इन द फुल फॉर्म ऑफ आर सी ई पी, देखो आर सी ई पी जिस टाइम पेपर कंडक्ट किया गया यह है अपना जनवरी 2020 का, उस टाइम आर सी ई पी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बहुत ज़्यादा न्यूज़ के थी, क्योंकि इंडिया इस तो बाहर हो गया थी, इंडिया ने अपने आप को की कर लिया थी बाहर कड़ लिया थी, क्योंकि इंडिया इस ट्रेड करना नहीं चाहता था, इस देखो यह एक एग्रीमेंट थी भी जब आप ट्रेड करवावे एक दूजे नाल तो टैक्स घट लगेंगे, ठीक है, तो इस इंडिया नूं कोई बेनीफिट दिखाया नहीं, इंडिया ने बाहर हो गया, तो यह चाइना जापान आस्ट्रेलिया साउथ ईस्टर्न जिहड़ियां कंट्रीज ने उन्होंने विचकार यह आर सी पी एग्रीमेंट साइन करवाया गया थी ट्रेड के करके भी ट्रेड वधिया हो सके। तो पूछा की गया कहिंदे कहिंदे पी का मतलब की है, पी का मतलब की है, पहले सानूं आर सी पी का मतलब हुण पता होना चाहिए सारे का सारा,
रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो की पूछे पी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप अपना सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तुसी याद रखनी है। ओके, 13वां क्वेश्चन, कैन द फर्स्ट एवर डे एंड नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच वाज हेल्ड इन। कहिंदे पहला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच जिहड़ा होया जी किथे होया जी आपां दसना जी, ये होया जी अपना डी दे विच एंड लीडे ओवेल दे विच। ठीक है, तो यह कितने अपनी, ये हैगी अपनी आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया दे विच यह स्पोर्ट ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड। ठीक है, ये तुसी याद रखना, अगे वधदे हां। ओके, 14वां क्वेश्चन, कहिंदे कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल, देखो वाटरफॉल ये इस तरीके का दिखा। ठीक है, बहुत सोहना नज़ारा होंगे है, ये मैंने एग्जैक्टली फोटो ली है अपनी कुंचिकल वाटरफॉल की। इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, केड़ी स्टेट के विच, केड़े राज्य के विच बिलोंग करती है, दसने की आप कर दी अपनी बी कर्नाटका के। ओके, विच डायनेस्टी डिड किंग हर्षवर्धन बिलोंग टू। ईजी क्वेश्चन है, ये अपना हिस्टरी का आ गया। ठीक है, हिस्टरी का आ गया, पिछला क्वेश्चन मैं स्टैटिक जीके का सी, ये हिस्टरी का आ गया। हर्षवर्धना जी डायनेस्टी की, वह कि अपनी वर्धना डायनेस्टी की, जिन्होंने एक होर नाम जाने जाता की, यह हैगी अपनी पहला पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, याद रखियो, अगे बढ़ते हैं। ओके, 16वां क्वेश्चन, कहते हू इज द ऑथर ऑफ बुक जेन ईयर। ठीक है, ये अपना स्टैटिक जीके का आ गया। देखो एक चीज़ मैंने नोट की है कि स्टैटिक जीके के बुक्स बहुत पूछ रहे हैं भी ये बुक किने लिखी है, रिसेंटली बुक्स। ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके नहीं कह सकते, करंट अफेयर के जी उस टाइम जो बुक न्यूज़ ने, ठीक है, पाँच तीन चार महीने के जो बुक्स लिख बुक लिखी गई ने, उस तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जेन ईयर बुक का ऑथर कौन है, ये पूछा जी अपने, तो यह सी आजूगा चार्लटे ब्रोंटे। ठीक है, ये तुसी याद रखना। ओके, 17वां क्वेश्चन, कहिंदे आफ्टर 11 नवंबर 2019, 11 नवंबर नूं की होया सीगा। ठीक है, आह अपना सूरज है, यह अपना मरकरी है, यह अपनी धरती है। ठीक है, ये ग्रहण इधर। ठीक है, तो यह विचकार आ गया जी, तो कुछ इस तरीके का दिखूगा। ठीक है, इस तरीके का दिखूगा अपन, क्योंकि लाइट तो सूरज की इधरों पै रही है, पिछली साइड तो पै रही है। तो 11 नवंबर 2019 विच विल बी द नैक्सट ईयर, कहते कदों यह दोबारा होगा, कहीं मरकरी वुड ट्रांजिट द सन। ठीक है, पहली बार मतलब इस तो पहला कदों आया थी, 11 नवंबर 2019 आया थी, अगली बार कदों होगा यह आप पूछा गया, तो यह होगा 2032। ठीक है, ये न्यूज़ के वैसे भी रह सकता है, ये देखो 11 नवंबर में न्यूज़ 2019, तो जनवरी का पेपर है, तो देख लो फिर 3 महीने के अंडर के करंट अफेयर ने, हज तक जिन्हें भी आने 3 महीने के अंडर करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके वगैरह ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, 18वां क्वेश्चन, कहते हू वाज द वाइस ऑफ इंडिया वैन द इंडियन नैशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। कहते जब इंडियन नैशनल कांग्रेस INC फॉर्म की गई थी 1885 के, तो उस टाइम इंडिया का वाइस रॉय कौन थी, ये आप दसना थी, तो आसान क्वेश्चन थी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हिस्टरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्टरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, हिस्टरी होगी, स्टैटिक जीके होगी, तो करंट अफेयर हो गए, तो बस यही हद तक यही है। हाँ, अपना साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा भी आह चीज़ा दो पोर्शन का चंगी तरह कर लो, ये आप आ भी सकते नहीं भी आ सकते, क्योंकि हिस्टरी साइंस के बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर यह कॉमन है कि स्टैटिक जीके के करंट अफेयर के ज़्यादा तो ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, 19वां क्वेश्चन, कहते वेयर वाज द हैडक्वाटर ऑफ RBI लोकेटड बिफोर शिफ्टिंग टू मुंबई। कहते मुंबई के शिफ्ट होने तो पहला हैडक्वाटर कितने की, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है अपने कोलकाता। ठीक है, हैडक्वाटर पूछे जाते हैं, देखो मैं क्या सीगा, मैं कि पेपर की अपना कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर हुआ थी, ये बेकार जहाँ क्वेश्चन बेकार पेपर पारख्या दी, हालांकि क्वेश्चन बनते थे अपने कि हैडक्वाटर पूछे जान, MD पूछे जान, चेयरमैन पूछे जान, CEO पूछे जान, बैंकों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जान, पर उस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आए नहीं है। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन, कहते मगदाज मोस्ट सीरियस राइवल अवंती हैड इट्स कैपिटल। जी अवंती के कैपिटल पूछे ने कितने ने, यह दसने की आप आंसर आ जाने की, ए उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के बच्चे ने, तो 20 क्वेश्चन अपने जीके के खत्म, तो हूँ शुरू हो गया अपना कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर उस तो बाद मैथ रीजनिंग अपना टाइम लगने वाला है, तो क्विकली आप हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल असैस मेमरी, सिक्वेंशियल असैस मेमरी इन्हें कही आऊगी, मैगनैटिक टेप। ठीक है, मैगनैटिक टेप आऊगी, मैगनैटिक स्टोरेज भी कहें, आप कह सकते हैं ऑप्टिकल
ऑप्टिकल स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ, ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਔਰ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਡੈਸ਼, ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਟੂ ਓਨਲੀ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਏ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਕੋਰਡੇਬਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਊਸ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਐਂਡ ਟੱਚ ਪੈਡ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਮਾਊਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਟੱਚ ਬਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਪੈਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਡ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਵੈਲਿਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੇ ਪਾਤੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਜੂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ PDF ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, PDF ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ EXE, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਜੂਗਾ, .exe ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜੀਕਿਊਟੇਬਲ, ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਰਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਰਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਵੈਲਿਡ MSX ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। MS ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮ ਵਾਸਤੇ, ਐਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਕਸ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਿਖਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਣਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਲੈ ਲਿਓ, ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨ MS ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੋਇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਮੂਥਲੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਕ ਜੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਸਕ ਜੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਜੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦੀ 3 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ CPU, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਲੋਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੀ, ਓਕੇ। ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ MS Excel ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਮ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਫਿਰ ਸਮ, ਫਿਰ 1 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਮ 2, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤਾਂ 3 × 3 ਅਤੇ ਆਜੂਗਾ 9, ਤਾਂ 9 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ GK ਗਈ, GK ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਏ ਜਿਹੜਾ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੀ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੀ 3 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਡੀ 4 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੈਡ ਆਪਣਾ 26 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਏ ਆਪਣਾ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦਾ, 6 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 7 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਟੀ 20 ਹੁੰਦਾ, ਵੀ 22 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੀ ਆਪਣਾ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ,
जे किन्ने देना मैं दस त्या ये वाला जे किन्ने दस त्या। देखो हूँ आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अपने विचकारला कढ़ना है तो विचकारला किवें निकलिया, छे ते एक ते छे किन्ने सत्त हो गए विचकारला गया, भी है दो है भी, भी ते दो किन्ने हो गए बई हो गए विचकारला गया, दस ते दस किन्ने हो गए भी हो गए, तो भी आना चाहिए भी की अपना आप हमने देखे टी हों टी ट्वेंटी खेलते हैं ना, तो ये अपना आंसर आ जाना जी आसान क्वेश्चन। अगे बढ़ते हैं ओके, अर्थ इज रिलेटड स्फेयर, जी अर्थ है वो की होंगी स्फेयर होंगी है मतलब पूरी तरीके स्फेयर होंगी है अंदरों भरी होंगी अपनी, जी डाइस है वो की होंगी डाइस क्यूब वर्गी होंगी आ अपना डाइस है, जिमें तुम लूडो खेलते हो ना डाइस कमाने हो की होंगे क्यूब वर्गा होंगे, डोनट डोनट देखो आ देखा होगा तुम खाया होना या मूवीज देखा होना बहुत डोनट अमेरिका की मूवीज बहुत डोनट दिखाते हैं, तो कि वर्ग है यह देखो यह वर्ग है टोरस वर्ग है, हूँ तुम सू कई नहीं पता होगा टोरस का की शेप होंगे देखो आ टोरस है, लेकिन जो नहीं भी पता तो भी कोई टेंशन वाली गल नहीं, देखो पीरामिड हो नहीं सकता पीरामिड तो एवं होंगे, कौन हो नहीं सकता कौन इस तरीके का होंगे, ठीक है सिलेंडर हो नहीं सकता सिलेंडर इस तरीके होंगे, तो वैसे भी आप तुम जो नहीं भी पता होंगे ना तो बस ए लगा लगा करो भी कि आप कट दी बार मतलब तीन बार कट के एक आप आंसर कट सकते हैं, ठीक है इस तरीके भी कर सकते हो। ओके तेतवा क्वेश्चन कहते ए इज़ ब्रदर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सिस्टर ऑफ सी, देखो ये मैं सोनू ज़्यादा डिटेल नहीं जानते क्योंकि वीडियो आप लंबी नहीं बनानी, जेडे मेल होंगे उन्होंने बॉक्स लिखते हैं फीमेल में सर्कल से लिखते हैं, जेडे ब्रदर सिस्टर होंगे उन्होंने भी डंडी आ जाती है, जेडे वाइफ के हस्बैंड होंगे कट्ठे लिखे जाते हैं, म जे ओल्ड होंगे ने मतलब थोड़े दादा दादी थोड़े माता पिता पेरेंट्स आ गए उपर आएंगे तो थोड़े जेडे बेटा बेटी ने नीचे आएंगे, ठीक है तो एक हैरारकी के लिखी तो होंगे, हूँ इसको आप जल्दी जल्दी करते हैं कहते ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए की है ब्रदर है बी का, हूँ बी नहीं पता कौन है पर कहते बी इज़ नॉट ए सिस्टर ऑफ सी, जी बी है वह सिस्टर नहीं हैगी कि सी भी चलो ये भी लिखता, डी इज द फादर ऑफ ए, डी की अपना डी इज़ द फादर, डी इज़ द फादर ऑफ ए, तो ए नीचे आ जूगा ए दे नाल आपां नूं आह चीज़ पता है, ठीक है कि ए की है ब्रदर है बी का ये भी लिखता, डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड सी, सॉरी डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड सी, तो यदा एक सी होगा हूँ आपां नूं सी नहीं पता कि ब्रदर है कि सिस्टर है, ठीक है लेकिन आपां उरे एक चीज़ देख सकते हैं, देखो एक चीज़ देख सकते हैं भी यह की ने दोनों ब्रदर सिस्टर ने पर बी की है सिस्टर नहीं हैगी सी दी, बी की है सिस्टर नहीं हैगी तो ब्रदर सिस्टर तो होंगे अपन इन्हें क्या सिस्टर नहीं हैगी, यदा फादर हो सकते थी पेर अपने फादर हो सकते थी मदर हो सकते थी ग्रैंड फादर हो सकते थी, तो करके मैंने साइड से लिखा दी क्योंकि अपन ए नहीं पता भी बी सिस्टर नहीं हैगी बस ए लिखा दी, पर उरे अपन ए पता लग गया भी सिस्टर तो ब्रदर दोनों चो एक है पर सिस्टर नहीं हैगी तो बचेगी अपने को ऑप्शन ब्रद ब्रदर तो आप उरे की लिख देते ब्रदर, तो बी की हो गया अपना ब्रदर हो जूगा, ई इज़ द मदर ऑफ बी, ई की है मदर है बी की, तो मदर आप लिखा बॉक्स सर्कल के कट्ठे लिखा दैन विच ऑफ द फलोविंग गिवन रिलेशन कैन नॉट बी ट्रू, कि सही नहीं है, ई इज़ द मर मदर ई की है मदर है कि सी भी बिल्कुल सही है, ठीक है बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, बी की है सिस्टर है, बी की है सिस्टर है, बी इज सिस्टर नहीं बी तो ब्रदर है, यह मतलब अपना गलत हो जूगा, ठीक है इन्होंने पूछा भी कि गलत है तो गलत कड़ा हो गया दो हो गया तो आंसर कह अपना सैकेंड आजगा, ठीक है क्योंकि ए तो सही हो गया सी भी तीजा भी सही हो जूगा चौथा भी सही हो जूगा अपना क्योंकि अपन पता ही लग गया दूजा गलत है तो तीजा तो चौथा भी सही हो जूगा, तो इन्होंने यही पूछा भी कि सही नहीं है, याद रखे चीज़ें ध्यान रखियो कई बार सही लभन लग जाते हैं फिर पहले तो टिक करके आ जाते हैं। ओके चौंतीवा क्वेश्चन यह अपने सीरीज का क्वेश्चन है, देखो सीरीज अपन दे रखी है थोड़ा साफ लिखता मैं तेई तेरह सॉरी तेरह तेई सोलह उन्ती बई क्वेश्चन मार्क चौंती पैंठ अठवंजा, ठीक है इतने आप दसने कि क्वेश्चन मार्क की जगह से की आऊगा, देखो ये आप देख रहे हैं कि कुछ ऐड हो रहा है तेरह तो तेई बन गया कुछ ऐड हो गया फिर तेई तो सोलह बन गया घट गया फिर सोलह तो उन्ती हो गया ऐड हो गया फिर उन्ती तो बई हो गया घट गया, यह मतलब दो सीरीज बन रही जब इस तरीके घट गया बद गया घट गया बद गया ना तो दो सीरीज होंगे हमेशा, तो तेरह तो सोलह मतलब कि हो रहा प्लस तीन सोलह तो बई कि हो रहा प्लस छे बई तो चौंती कि हो रहा प्लस बारह चौंती तो अठवंजा कि हो रहा प्लस चौबी मतलब तीन तीन का दुगुना छे छे का दुगुना दुगुना बारह बारह का दुगुना चौबी, ठीक है तो प्लस हो रहा लेकिन तीन का मल्टीपल तीन का मल्टीपल तीन का मल्टीपल की कह सकते हैं छे छे का मल्टीपल बारह बारह का मल्टीपल चौबी, तो बस यही चीज़ करनी हूँ आप तेई तेई तो उन्ती किन्ने ऐड करे ने आप छे तो छे का दुगुना कि छे का दुगुना होंगे बारह बस उन्ती देख आप बारह ऐड करना है तो आजगा इकताली तो इकताली अपना आंसर आजगा, ठीक है
ईजी क्वेश्चन थी, आगे बाद में। ओके, 35वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। पेंसिल रूलर ते शार्पनर, पेंसिल रूलर ते शार्पनर के रिलेशन दसना है। देखो पेंसिल अलग चीज़ होगी, रूलर अलग चीज़ हो गया, तो शार्पनर अलग हो गया, आपस के कोई रिलेशन ही नहीं है। पेंसिल थोड़ी रूलर ने जा कोई ओ, कोई रूलर अपने स्केल ने, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। दस अपना सी आ जाना, तीजा आ जाना, अगे बढ़ दें। ओके, 36वां क्वेश्चन, कहते क्यूब विद डायमेंशन 16 × 16 × 16 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। ये अपनी क्यूब है जिसकी आ साइड 16 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की है 16, क्योंकि क्यूब ही आ गया, सारी साइड बराबर ही वैसे भी होंगे। कहते इज ए पेंटेड ग्रीन ऑन टू ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट सरफेस की होंगे ने कट्ठे कट्ठे, तो मतलब आ जो दो कट्ठे कट्ठे सरफेस ने, आ वाला ग्रीन पेंट करता, आ वाला ग्रीन पेंट करता, ठीक है। एक गल याद रखियो, जे कट्ठे कट्ठे पेंट करे ने तो जो आह क्यूब का उपरला हिस्सा क्यूब का साइड है, मतलब आ क्यूब जी कॉमन आ रही है, तो एक क्यूब की है कॉमन आ रही है, ठीक है। जे दोबारा बना के दस देना जिन्होंने समझ नहीं आया, देखो आ जो है एक क्यूब का कोर्नर दिया, उपरला साइड से क्यूब का थलड़ा साइड, ठीक है। तो जिम्मे आ देखो दोबारा इन मटी के दस, ठीक है। देखो आह एको ही क्यूब बन रही है, ठीक है, उपरला साइड थलड़ा है, मतलब जे पेंट होया तो एको ही क्यूब के दो साइडा पेंट हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। कहते पेंटड ग्रीन करता दो साइडा से, दैन सरफेस एंड दैन कट इन समॉल क्यूब 2 सेंटीमीटर ही, ठीक है, 2 सेंटीमीटर करता, मतलब आ 2 सेंटीमीटर आ 2 सेंटीमीटर आ 2 सेंटीमीटर आ 2 सेंटीमीटर, तो 16 दिनों 2 नपा करते हैं तो किनिया 8, तो यदा मतलब इधरले पास कि क्यूब बन गई 8 क्यूब बन गई, इधरले पास कि बन गई 8 बन गई, अंदरले पास आह पास कि बन गई 8 क्यूब बन गई, तो टोटल 8 × 8 × 8, क्योंकि आप वॉल्यूम करना की होंगे लेंथ गुना हाइट गुना ब्रेथ लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, तो 8 × 8 × 8 8 × 8 ही कि होंगे 64 अपना 512, ठीक है। 512 की आ गई अपने टोटल क्यूब आ गए, जिन्हें क्यूब ने अपनी 512 क्यूब ने। हूँ आप दसना इन्होंने, कहते हाउ मैनी समॉल क्यूब विल नॉट हैव एनी कलर, किनिया क्यूब ने जिसे कोई कलर ही नहीं है, ये आप दसना, ठीक है। तो की करा आप करा हूँ कि जिन्हें तो कलर है वो माइनस कर देंगे, देखो आ साइड से सारिया के क्यू पेंट किया गया, इधर 8 ने इधर 8 ने, तो 64 तो इधर क्यूब से पेंट किया गया, प्लस इधर किनिया ने आ तक काउंट हो गया, यदा उपर भी तो नीचे भी आ क्यूब से छड़ दो, इधर किन 7 इधर किन 8 8 7 56, तो 56 ये क्यूब हो गया, तो टोटल कि 120, तो 512 120 पेंट हो गया, तो बचिया कि 512 120 माइनस कर देंगे, तो अपना क्या 392 तो 392 होने जिन्हें पेंट नहीं होया, ठीक है। कुछ नहीं बहुत ईजी, 8 × 8 × 8 टोटल क्यूब कर लिया, तो जो पेंट किए क्यूब ने माइनस करती हैं, जो बच गई वो आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं दी, बस समझाने से टाइम लग गया। ओके, 37 क्वेश्चन तक पहुँच गए आप। कहते कपिल इज एल्डर ब्रदर ऑफ कुणाल, कपिल बड़ा भाई है कुणाल का, एंड देयर एज आर इन डबल डिजिट, डबल डिजिट का मतलब क्या होता है, 9 की है सिंगल है कला, 10 की है 2 डिजिट ने, 11 की है 2 डिजिट ने, कितने तक जाते हैं 99 तक, तो ये मतलब इन्हें एज की है 10 तो लेकर 99 के बीचकार है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 1/11th ऑफ सम ऑफ देयर एज, ठीक है, जो इनका डिफरेंस है मतलब माइनस करके जो एज च आता है वो की है 1/11th है, मतलब 11वां हिस्सा की दा दोनों ने जोड़ के दा, जो जोड़ के दोनों की एज का सम आता वह 11वां हिस्सा की है अपना की दा अपने डिफरेंस का। इफ द डिजिट ऑफ द एज ऑफ कपिल इज रिवर्स वी गैट कुणाल एज, जे दोनों की डिजिट का रिवर्स कर दिए तो कुणाल की एज आजूगी, ठीक है। आप कुणाल की एज दसनी है, यदा सब तो सही तरीका की होंगे, देखो ऑप्शन लेके करने का सब तो सही तरीका होंगे, पर दूजे तरीके भी मिनट निकल जाता है, जे स्पीड ना करोगे उस तो भी एक्यूरेट बिल्कुल आंसर कर लोगे, पर इस जो ऑप्शन है, देखो नन ऑफ दीज नहीं है, जे नन ऑफ दीज नहीं है तो आप रिस्क ले नहीं सकते। जिम्मे आप 45 देखो 45 लिखी है, जे मैं मान लिना इन्होंने की क्या, देखो जे आप करते हैं कुणाल की एज की मान ली 45 मान ली, कुणाल की एज 45 मान ली, तो यह कहें कपिल की एज की है रिवर्स है उल्टी है, तो कपिल की एज की होगी, कपिल की एज की होगी अपनी, कपिल की एज होगी 54, ठीक है। तो ओबियस जी गल देखो ये की होंगे भी जे की है 11 से मल्टीपल है ना, 11 से डिविजिबल है, तो ज़्यादातर 9 का मल्टीपल होंगे, ठीक है, 9 के मल्टीपल होंगे ने, जो तुम फार्मूले करे हो तो कॉमन निकल जाता जे दोनों का डिफरेंस कटना हो, ठीक है, तो करके मैंने 45 या 54 9 का डिविजिबल चेकया करो, ठीक है। तो कुणाल की मान लो 45 है, तो कपिल की है 54, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा अपना 9, ठीक है। दोनों का सम कितना आ रहा है, सम देख लें 9, ठीक है,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 9 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 9 ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 11ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9, ਤਾਂ ਸਮ ਦਾ 11ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਓ 9, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 9 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ 23-32 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 23-32 ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੇ 54 ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 54 ਮੰਨ ਲੈਣ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ 54 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ 45 ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ, ਕਪਿਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ 54 ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, 45 ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਕੇ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇ 45 ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਨੂੰ 54 ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਿਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਪਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ 45 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਕਪਿਲ ਆਪਣਾ 54 ਆਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਿਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 9, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 99 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਮ ਦੇ 11ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ, 11ਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਓ 9, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, 38 ਕੁਸ਼ਚਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਸਨੇਹਾ ਐਂਡ ਆਂਚਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ, ਸਪਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਸਨੇਹਾ, ਸਨੇਹਾ ਅਤੇ ਆਂਚਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਹੈ, ਟਾਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤੀ। ਕ੍ਰੀਤੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟਰ ਦੈਨ ਸਿਮਰਨ, ਕ੍ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਤੀ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਤੀ ਛੋਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤੀ। ਐਂਡ ਨਨੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਤੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਸੇਜਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਆ ਲਿਟਲ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਸਪਨਾ, ਤਾਂ ਸੇਜਲ ਸਪਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੇਜਲ, ਤਾਂ ਸੇਜਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਛੋਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਆ, ਪ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਆ ਇਜ਼ ਛੋਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰੀਤੀ, ਕ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਈ। ਆਂਚਲ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਛੋਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਚਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਂਚਲ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਆਲ ਦੈਮ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਦੇਅਰ ਹਾਈਟ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ, ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਮਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੇਹਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਅਮੰਗ ਆਲ, ਸਨੇਹਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਅਮੰਗ ਆਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਆ, ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਓਨਲੀ 4% ਆਰ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਆ, ਓਨਲੀ 4% ਆਰ ਟਾਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੇ। ਸੇਜਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਾਲਰ ਮੰਗਾਲ, ਸੇਜਲ ਇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਫ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਉ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਉ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 23, ਕਹਿੰਦੇ 23 ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਦੀ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਦੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ 11-17 +3 ÷5 × 3, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਪਾ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 11 + 17 - 3 × 5, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ 3 ਆਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 / 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਕੱਢ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 11 ਪਲੱਸ 17 ਮਾਈਨਸ 5, ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 5 ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਿਆ, 12 'ਚ 11 ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਆ ਜੂਗਾ, 23 ਪੁੱਛਿਆ 30 ਤਾਂ 80 ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਦੀਏ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀ 'ਚ ਬਣੂਗਾ। ਓਕੇ 14 ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਸੈਟ ਹੈਜ਼ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਕਲੋਕ ਵਾਚ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ 3 AM। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ 3, 12 ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਆਪਣੀ 12 ਚਾਹੂ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਆਪਣੀ 3 ਚਾਹੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ PM ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਆਰ ਹੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੈਂਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੌਰਥ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਥ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਈਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ, ਉਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਤੀ, 45 ਡਿਗਰੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ 6:30 PM ਦਾ ਮੀਨ ਐਟ ਹੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਓਕੇ 6:30 ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੀਨਟ ਹੈਂਡ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਪਣਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਵੀ ਦੀ ਮੀਨਟ ਹੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ 6 PM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਟ ਹੈਂਡ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਬਸ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ 6 ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੂਈ 12 ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਆਪਣੀ 6 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਨੌਰਥ ਹੈ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਡੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ 41st ਕੁਸ਼ਚਨ, 41ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 8 ਫਰੈਂਡ ਨੇ ABCDEFGH ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਸਰਕੂਲਰ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 8 ਫਰੈਂਡ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਨੋਟ ਨਸੈਸਰਲੀ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਲ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਿਕੁਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ABCD ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਪੇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਲ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਓਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਆਰ ਸੀਟਡ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਆਰ ਸੀਟਡ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ, ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਿਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਆਰ ਸੀਟਿੰਗ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਐਚ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਏ ਇਜ਼ ਸੀਟਡ ਇਨ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਨੌਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਰੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਉਰੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਇਜ਼ ਸਿਟਡ ਇਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਨੌਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੀ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੀ ਨੌਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੀ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਡੀ ਦੀ, ਆ ਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਆਫ ਸੀ, ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰ ਹੈ ਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੇਬਰ ਬਣਾ ਤਾ ਜੀ ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਆਊਗਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ओनली ई इज सीटेड बिटवीन ए एंड डी, ओनली ई इज सीटेड बिटवीन ए एंड डी, ई कौन बैठा है, ए से डी के बीच कौन बैठा है, ई उरे ई बैठा दो, ठीक है ई उरे उरे ई आ गया अपना। जे ई उरे आ गया तो अपन पता है कि ई उरे आ गया तो जी तो उरे आ नहीं सकता क्योंकि जी के उल्टे पास आप एच बिठाना सी सामने, तो ई उरे आ गया तो जी उरे नहीं आ सकता जी, उरे अपन एफ बिठाना पेगा तो जी अपना उरे पक्का हो गया, ठीक है क्योंकि ई उरे आ गया तो बचिया कि एक बंदा बचा थी वो कौन थी एफ दिया तो एफ उरे आऊगा, तो जी के सामने कौन बैठा एच बिठाने एच उरे आऊगा, खत्म। हूँ पूछे की है कहते इफ एच चेयर इज इन द साउथ वैसट डायरैक्शन, इफ एच चेयर इज साउथ वैसट, ठीक है नॉर्थ वैसट ईस्ट साउथ साउथ वैसट, ठीक है एच दी की है साउथ वैसट के बिच है बिल्कुल सही है जी। दैन विच ऑफ द डायरैक्शन इज टेबल एफ, एफ की डायरैक्शन पूछी एफ कितने अपना इधर है, इधर की होंगी अपनी नॉर्थ, इधर की होंगी अपनी वैसट, नॉर्थ वैसट के बिच है जी सॉरी नॉर्थ वैसट के बिच ए अपना आजगा, ठीक है नॉर्थ वैसट के बिच ए अपना आंसर देगा, ठीक है ईजी क्वेश्चन थी अगले बार जल्दी करेंगे आप। ओके फ्रजाइल इज रिलेटेड टू ड्यूरेबल, फ्रजाइल कह जल्दी टूट जाता है, ड्यूरेबल कह ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो फ्रजाइल रिलेटेड अपना ड्यूरेबल का मतलब अपोजिट है, आप कह सकते अपोजिट है, फ्रजाइल का अपोजिट कह ड्यूरेबल हो गया, टेंडर का उल्टा की होगा हार्ड हो गया, टेंडर की होंगे कोमल जी चीज़ कोमल जी होंगी नरम जी होंगी टेंडर कहते हैं, टेंडर का हार्ड हार्ड सख्त हो गया, स्मार्ट का उल्टा की होगा स्मार्ट का उल्टा जो अपना स्टूपिड, ठीक है तो उल्टा वो दसना जी आप स्टूपिड अपना आंसर आ गया। ओके कहते बी इन अलग दूर दूर लिखा बी यू आई एल डी आई एन जी का जोड़ा कोड बंद है वह बंद अपना बी जी आई फिर आई है आई डी एल एन यू, ठीक है कोड बंद है उस तरीके नाल ए डी वी ए एन सी ई डी का कोड बंद अपना ए डी वी सी एन ए ई डी, ठीक है ये कोड बंद है तो आप दसना कि आप दसना भी इसका कोड दसो किस का कोड दसना ए आई आर एयरक्राफ्ट का ए आई आर सी आर ए एफ टी, ठीक है आप इसका कोड दसना है पहले तो देखो ये कोड किमें बनया, देखो बी का बी आई पे है आई का आई आई पे है डी का डी आई पे है एन का एन आई पे है उस तरह ए का ए सेम है एक ये वी है अपनी हाँ वी का वी आई पे है एन का एन पे है ई का ई पे है यदा मतलब ए की जगह से ए आजगा आर की जगह से आर आजगा इतने भी आर है आर की जगह से आर आजगा दो आर ने हाँ दो आर ने एफ की जगह से एफ आजगा टी की बस तो ए एक छड के आर ए एक छड के आर ए चार है हाँ गलत हो गए फिर एक छड़ के फिर आर एक छड़ के फिर आर एच है एक छड़ के फिर आर एच भी है फिर एक छड़ के एफ एक छड़ के एफ आ रहा अपना आर तो बाद एक छड़ के एफ आर है आर आती आर तो एक छड़ के सी छड़ के आई आ रहा तो यह भी गलत हो गया सैकेंड अपना आंसर होगा बाकी चीज़ें आपको करने की लड़ नहीं, ठीक है तो अपना सैकेंड की हो जाने की आंसर हो जाने की जो आप बाकी भी देखिए कि बाकी चीज़ें की कर रहे हैं देखो यू अपना यू आ पाया यू सब तो एंड चला गया उस तो बाद एल आती एल उरे चला गया आई उरे चला गया जी आती इधर चला गया मतलब लैफ्ट वाली साइड राइट से करती है राइट वाली साइड लैफ्ट से करती है डी का लास्ट से आजगा उस तक आई थी जोड़ा अपना उरे आ जाना थी सी थी जोड़ा अपना उरे आ जाना थी ए थी जोड़ा अपना उरे आ जाना थी टी थी अपना उरे आ जाना थी, ठीक है फिर आप इस तरीके भी एग्जैक्ट आंसर करना हमें भी कर सकते हैं पर अपना वैसे ही आ गया थी आंसर अगे बढ़ दें। ओके फोर फ्रेंड ए बी सी एंड डी मीट एट देयर एलुमिनी गेट टुगेदर वन ऑफ दैम इज डॉक्टर वेयर एज वन इज अदर थ्री आर इंजीनियर, ठीक है ये अपना पजल का क्वेश्चन आया एक तरीके ना ए कुछ कह रहा है बी कुछ कह रहा है सी कुछ कह रहा है डी कुछ कह रहा है आप दसना है भी जे सारे सच बोल रहे ने तो डॉक्टर केड़ा इन्होंने डॉक्टर केड़ा आप दसना है, ठीक है ये एक जना डॉक्टर है बाकी तीन इंजीनियर ने ए बी सी डी तीन फ्रेंड मिले ने, ठीक है उरे आप लिख देने ए बी सी ते डी उरे लिखांगे भी की उन्होंने प्रोफेशन है इंजीनियर है डॉक्टर वगैरह, ठीक है सी इज एन इंजीनियर सी की इंजीनियर है ए ने बोलिया ए कहता सी ये इंजीनियर है सच बोल रहा है तो ठीक है भाई सी नू इंजीनियर बना देने सच ही बोलिया अगला बी कहता नाइदर ए नोर डी इज डॉक्टर, ठीक है नाइदर ए नोर डी ए डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर नहीं है तीन इंजीनियर दी तो इंजीनियर बना दो,
ਏ ਤੇ ਡੀ ਬਚਿਆ ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਆਪਾਂ। ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਟਰੁੱਥ, ਸੀ ਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ 45 ਕੁਸ਼ਚਨ 45 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣਾ ਪਜ਼ਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। 8 ਪੀਪਲ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, 8 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਰ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਚੌਰਸ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ 4 ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਈਚ ਆਫ 4 ਕੋਰਨਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 1 ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਈਚ, ਜੇ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਦੇ ਆਰ ਸੀਟਡ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਗੋਇੰਗ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸੀਟਡ ਇਨ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਇਨਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਈਚ, ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਡ ਇਨ ਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸਿੰਗ ਇਨਵਰਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਨਵਰਡ ਨੇ, ਇਨਵਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਫੇਸਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਟੀਚਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਓਕੂਪਾਇੰਗ 1 ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਨਰ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਲੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਲਾ ਲਓ ਟੀਚਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਓਨ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ, ਪਾਇਲਟ ਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਆਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਲਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ, ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਏ ਬੈਂਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਰੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਠਾ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਲਾਇਰ ਲੋਇਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕਰ, ਲੋਇਰ ਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕਰ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਇਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਬੈਂਕਰ ਆਊਗਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ ਬੈਂਕਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਆਲ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਰਨਰ ਲੀਵ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਦੈਨ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਪਾਇਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਪਾਇਲਟ, ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਆ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਨੇ ਸੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ 46 ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਏ ਆਰ ਐਂਡ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਐਜ ਦੀ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਏ 11:45
ठीक है, जो एंगल कहते 11:45 बना रहे हैं, ठीक है, वही सेम एंगल इन्हें भी जो कोण बना रहा है। पहले तो 11:45 का एंगल कट लेना। देखो एंगल कटने का मैं सुनूँ फार्मूला जल्दी जल्दी लिख देना, ठीक है। ये होंगे अपना 60 × r हैंड वाली जी सुई बजा रही है, माइनस 11 जी मिनट हैंड वाली सुई बजा रही है, तो डिवाइड बाय 2। तो 60 r हैंड वाली कितनी सुई बजा रही है, घंटे वाली सुई 11, 11 × मिनट हैंड वाली 45 भाग 2, ठीक है। जे इनू करा 660 आ जाना, 660 के आप माइनस करने आए 495 × 2, 660 495 गए तो 165 × 2 इनू कट्टा आप 82.5, ठीक है, 82.5। तो 82.5 एंगल होना चाहिए। तो एक जी देखो जी आह दो सुइया ने मान लो 82.5 है, तो दूजा आप क्डा माइनस करा आप टोटल 360 के आह माइनस कर दिए तो आप दूजा जी आजगा, तो 82 मतलब 360 के जो आप 82.5 माइनस करते हैं तो दूजा एंगल आ जाएगा जो कि अपने को 277.5, ठीक है, दूजा एंगल ये आ गया। तो अपने दो एंगल ये जोड़े मैच करते हैं वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आप हूँ की करना है, उसे मैं लिख देना, इन सारे मटिया देना, याद रखियो 277.5 से 82.5, ठीक है, 277.5 82.5 ये दो एंगल बनने चाहिए ने। इन सारे आप हम सोल्व करना है, मैं सारे सोल्व करे थी, यदा आंसर बन रहा थी चौथा, ठीक है, चौथे से एंगल बन रहा थी। तो मैं फिर आप फार्मूला लिख लेना, एंगल 60 × r हैंड घंटे वाली सुई, ठीक है, माइनस 11 × मिनट वाली सुई भाग 2, तो 60 × 12 क्योंकि आप 12 ले लिया, तो माइनस 11 × मिनट वाली 15 भाग 2, ठीक है, 12 छीके कि 72 होंगे अपना, 11 × 55 करते हैं तो कि अपने 165 डिवाइड बाय 2, 720 जब 165 माइनस कर दें तो 555, 555 दो कट दें तो 277.5 आजू, 277.5 आजू, दूजा माइनस करेंगे तो 82.5 आजू, तो यही सेम आ गए, तो डी अपने आंसर की। अगे बढ़ते हैं जल्दी, ओके 47 कहते विच लैटर इज सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ लैटर विच इज 12 टू द राइट। देखो पहले तो सारे अल्फाबैट सू लिखने पैणगे ए तो लेके बी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एक फिर पिछों शुरू करेंगे, ठीक है, कि 9th लैटर फ्रॉम द लैफ्ट साइड, लैफ्ट साइड के यही है ये 9th लैटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आज तक पहुँच गए आप, ठीक है। सैकेंड टू द लैफ्ट कि आजू अपना, सैकेंड आ गया टू द लैफ्ट, जी तक पहुँच गए, ओके। 12th टू द राइट ऑफ द लैटर, 12 टू द राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, राइट से 12 चले गए, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड टू द लैफ्ट, सैकेंड टू द लैफ्ट से चले जाओ, क्या वो अपना आंसर आजूगा, कहते विच लैटर, ठीक है। इन्हें नहीं कहती, कहते विच इज द सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ, मतलब सैकेंड टू द लैफ्ट की दा सैकेंड टू द लैफ्ट लैटर ऑफ विच इज 12 टू द राइट, जो 12 टू द राइट है वो की है लैटर है विच इज सैकेंड टू द लैफ्ट, सैकेंड टू द लैफ्ट का सैकेंड टू द लैफ्ट की लैफ्ट है 9th लैटर फ्रॉम द लैफ्ट, तो पिछले तो शुरू करा करो, ठीक है, ये आप कटता अपना आंसर है क्यों। देखो किसी दिन डिटेल से करवावे, टाइम अपने को है नहीं, आप 100 क्वेश्चन करवाने, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन करके करा तो डिटेल करे जाते हैं, हूँ आप 100 क्वेश्चन करने करके क्विकली करने पैणगे, नहीं आप 100 क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाऊ अपन, ठीक है, तकरीबन 80 तक तो अपने मैथ के क्वेश्चन जाएंगे, हजे तक 48 तक पहुंचे हैं, देख लो अजे मैथ अजे शुरू भी नहीं करे आप। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, ठीक है, आपको स्टेटमेंट दते होंगे ने 2 3 4, ठीक है, आप दसना भी इन्होंने कि कंक्लूजन सही है। कहते आल ईयर आर आईज, देखो ईयरस की होंगे ने सेंटर के होंगे ने, डिटेल नहीं करवाते आप क्योंकि डिटेल करवा लग गए फिर तो ही करते रह जाएंगे। ईयर बिच आते होंगे ने, आईज बाहर आते हैं क्योंकि ईयर जे भी ईयरस ने कि ने आईज के विचकार ने, देखो आल ईयर जिन्हें भी ईयरस ने कि ने आईज ने, सारी ईयरस आईज ने, नो आई कैन स्मैल, ठीक है, जो आई है वो की नहीं कर सकता, स्मैल नहीं कर सकता, तो स्मैल आप बाहर कर दो क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। कहते सम ईयर कैन स्मैल, ठीक है, सम ईयर जब आईज का कोई रिलेशन नहीं फिर ईयर का की होगा, ईयर का विचकार आंदा तो भी गलत हो गया अपना। सम आईज आर ईयर बिल्कुल सही है, विचकार आ रहा है, जो सारिया ईयर आईज ने तो कुछ कुछ आईज अपने ईयर भी ने, ठीक है जी,
सैकेंड आ जाओ अपना ओनली कंक्लूजन सैकेंड फॉलो अगे वधना। कहिंदे ए शॉपकीपर कुड हैव अर्न 12 मोर इफ ही हैज सोल्ड प्रोडक्ट एट 8% प्रॉफिट इंसटेड ऑफ 8% लॉस। आ कोई चीज़ इन्ने दी आई है, उन्हें की कीता 8% घट की बेचती, 8% घट की बेचती। जे कहिंदे 8% घट की जगह तो वह की करे 8% प्रॉफिट से बेचते, तो उन्हें जो सारा लाभ पहले नालों 12 रुपये ज़्यादा होगा। आप किसी ने वट इज कोस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट विच द शॉपकीपर हैड अबाउट, आप कोस्ट प्राइस दसना, आप सीपी दसना, ठीक है, आप की दसना सीपी दसना, देखो आप सीपी दसना। हूँ जो देखो इतने तो लेके इतने तक, मतलब पूरे पहले तो 8% उन्हें आ कवर किया, फिर 8% उन्हें आगे कवर किया, मतलब 16% कवर करके उन्हें 12 रुपये का फायदा कर लिया। सीपी की होंगे हमेशा अपना 100% होंगे, तो आप 100% कटना है, जो 16% जो है अपना 12 के बराबर है, तो 1% कि बराबर होगा 12/16, तो 100% कि बराबर होगा 12/16 × 100, चौकम चौकी 16 × 4 = 12, ये कट जूगा अपना किन्ने से 25 से 25 या किन्ने आजगा 75, तो 75 अपना आंसर आजगा, ये अपना आंसर आजगा। जल्दी आप कितने गया मेरा यार, मेरा एरो 75, ठीक है, कई बार एरो जो मेरा खो जाना, सुनता उसे सर्कल दिख रहा हुआ, मैंने सर्कल नहीं दिखता कई बार। ओके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप पूरे करते हुए इन सर्टेन कोड, ठीक है, फिर कोडिंग आ गया PULSE पल्स, पल्स नु की लिखे इन्होंने PWNUE, ठीक है, पल्स नु आ लिखता। स्पेल, स्पेल नु की लिखे इन्होंने, स्पेल नु लिखे इन्होंने SRGNL, कहिंदे दसो PLEAD, प्लीड नु की लिखांगे। देखो सब तो पहला पी का पी उरे फिर ई का ई फिर एस का एस फिर एल का एल फिर, बाकी तो सारे चेंज हो रहे हैं, तो पी का पी आऊगा, डी का डी आऊगा, तो पी तो डी कि विचकार है, पी डी सारे चीज देता, चलो कोई गल नहीं। यू वी डबल्यू एक छड के, यू वी डबल्यू एल एम एन एस यू वी एक छड के, पी पी क्यू आर ई एफ जी एल एम एन, मतलब एक छड के आ रहा है, तो आप की करेंगे एल एल एम एन ई एफ जी ए बी सी, तो पी एन जी सी पी पी एन जी सी डी पी एन जी सी डी, ये अपना आंसर आजगा। ओके 51 क्वेश्चन, कहते बिलो आर टू पोजिशन ऑफ द सेम नॉन स्टैंडर्ड कस्टम डाइज, ठीक है, दो डाइज ने अपने को, डाइज इन्होंने की किया, कहते दसो विच ऑफ द फ्लोमिंग नोट फ्लोमिंग पेयर ऑफ नंबर इज नोट प्रजेंट, कहते इन्होंने चो कि पेयर नहीं बनने, मतलब चार के सामने की दो होगा कि नहीं बनता। देखो दो उरे भी है, सांझा देख लो, दो उरे भी है, दो उरे भी है, दो दे साइड से पांच आ रहा, दो दे साइड से एक आ रहा, मतलब पांच से एक तो अपन उरे कवर हो जाएंगे, पांच से एक उरे आऊगा, क्योंकि पीछे तो आ नहीं सकता, क्योंकि साइड से पहले आप देख ले, तो जो दो उरे है पांच से एक उरे आऊगा, पांच से एक उरे आऊगा, तो दो दे पीछे केड़ा होगा, हमेशा चार आऊगा, दो दे पीछे की होगा अपना चार आऊगा, एट तो सही होगा, ठीक है, आप कह सही नहीं है, तो यह तो सही हो गया अपना, आप सही नहीं है दसना, ठीक है, पांच के पीछे छे, पांच जो अपना उरे है, पांच दे अपना उरे है, तो मैंने की किया पांच दे पांच उरे आ सकता है, तो छे उरे आ सकता है, पांच दे मैं कह पांच दे एक आ सकता है, तो जो पांच उरे आऊगा तो छे उरे आ सकता है, ये भी सामने सामने हो सकता है, एक दे पीछे तीन, जे उरे की किया मैंने पांच या एक चो एक आऊगा, ठीक है, पांच या एक चो एक आऊगा, तो एक उरे है तो तीन उरे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तीन दे अगे चार, तीन उरे है तो उरे की लिखा मैंने पांच या एक आऊगा, तो तीन दे चार तो नहीं आ सकता, तो चौथा गलत अपना की आजगा, सॉरी चौथा गलत है, तो अपना आंसर की आऊगा डी आऊगा, क्योंकि आप दसा कि नहीं है, ठीक है, अगे बढ़ जाके ये की है, रीड द गिवन स्टेटमेंट डिसाइड विच ऑफ द कंकलूजन लॉजिकली फॉलो, कि कंकलूजन फॉलो करता है, कहते मोस्ट इंप्लॉय वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन आर लेजी, कहते कुछ जेडे ज़्यादातर जो लोग ने जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो कि ने लेजी ने, ठीक है, कहते दिनेश इज लेजी, उस तो बाद एक होर चीज़ ऐड करते कि दिनेश जो है वो लेजी है, पर इन्होंने ऐ नहीं किया भी दिनेश जो गवर्नमेंट जॉब करता नहीं करता, या दिनेश जो कि गवर्नमेंट जॉब करता लेजी है, ऐसा कुछ नहीं किया, बस जो कुछ ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेजी होंगे ने, तो दिनेश की लेजी है। हूँ इन्होंने आप दसना कि कौन स्टेटमेंट अपना लॉजिक बंद सही है, सम गवर्नमेंट इंप्लॉयज आर नॉट लेजी, देखो कुछ ज़्यादा है पर मतलब कुछ नहीं भी होने ना, तो ज़्यादा है तो यह सही हो गया, तो अपना पहला सही हो गया, पहला अपना आंसर आ गया, पर बाकी भी चेक कर लें, कहते दोज हु आर नॉट लेजी आर नॉट गवर्नमेंट इंप्लॉय, ना इन्होंने कहा कुछ है नहीं तो कुछ है ने, इन्हें एक ही कह रहा, कहते दोज हु आर नॉट लेजी आर नॉट नहीं, वो भी है ने, जो लेजी नहीं है वो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय ने, जो लेजी है वो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय ने, यह मतलब गलत हो जूगा, क्योंकि यह कहता जो है
लेजी नहीं है कि वो गवर्नमेंट इंप्लॉय भी नहीं है, गलत हो गया। कहते लेजी इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट अ जॉब, गलत हो गया। कहते जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लेजीनेस नाल देखते हैं भी किनू जॉब मिलेगी किनू नहीं मिलेगी, ये तो गलत होगा क्योंकि इतने तो लेजी नू भी मिल रही है जॉब, जो लेजी नहीं है उन्होंने भी मिल रही है। तो यह क्राइटेरिया तो नहीं आप कह सकते भी जो लेजी है ना लेजी ना आप जॉब दें ना। दिनेश वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि दिनेश जो अपने कह रखे भी गवर्नमेंट जॉब काम करता, उन्होंने कहा भी दिनेश लेजी है तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी कुछ लेजी ने, तो आप ऐसा नहीं कह सकते भी दिनेश भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी कर रहा है। वैसे तो अपना पहली कर लिया तो ये निकल गया थी, पर फिर भी तुम्हें दसता भी दो तीन चार क्यों नहीं है अगे बढ़ जा। ओके 53 इतने लिखना भूल गया। 53 क्वेश्चन कहते सिलेक्ट द वर्क दैट कैन बी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह से किया हुआ, ठीक है। देखो उरी लिखने की जगह तो मैं उरी करवा देना क्योंकि अपने जल्दी करने, ए तो बाद की आ रहा बी आ रहा, बी तो बाद की आ रहा सी आ रहा, सी तो बाद की आ रहा डी आ रहा, पहला खड़ा डी तो बाद किया हुआ ई आऊगा, तो पहला अपना ई होगा सारे जी है। ओके कोई गल नहीं, जी आ उरे जी तो बाद दोनों मैं साफ कर देना। ओके उरे सेकंड वाला जी है, जी तो बाद की आ रहा एच छड़ के आई, आई तो बाद जे छड़ के तो के एल छड़ के एम, एम एन छड़ के ओ तो ई आना थी पहला फिर ओ आना थी, मतलब थर्ड अपना आंसर आ गया। अगे बढ़ते हैं। ओके 54 कहते कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज सेम, अपना अजम्पशन आ गया। कहते द डॉक्टर एडवाइज प्रियंका टू कंज्यूम मोर ओरेंजेस एज विटामिन सी हेल्प टू प्रिवेंट स्किन डिजीज, ठीक है। तो डॉक्टर प्रियंका कहता कहता तू ज़्यादा तो ज़्यादा संतरे खाया कर क्योंकि उन्हें विटामिन सी मिलता तेरी भी स्किन तो स्किन डैमेज नुकसान होने तो बचाता, ठीक है। ये डॉक्टर ने कहा हूँ ये प्रियंका लाइक टू स्किन हर स्किन हैल्थी, बिल्कुल अपनी हैल्थी स्किन रखना चाहिए, ताई डॉक्टर को गई है ताई डॉक्टर ने उन्होंने एडवाइस दी है, जो उन्हें क्या होगा तो बिल्कुल सही है। प्रिया प्रियंका चाहती है कि वो स्किन जी हैल्थी रहे। ओरेंज कंटेन विटामिन सी, डॉक्टर ने कही दिता भी विटामिन सी मिलता ओरेंज तो, ठीक है जी। तो दोनों सही ने बहुत, वन एंड टू अगे बढ़ दें। ओके 55 क्वेश्चन कहते 19 फरवरी 2019 की है ट्यूजडे है, 19 फरवरी 2019 की अपना ट्यूजडे पेगा। कहते आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज नोट ए ट्यूजडे, इन्हें भी कहड़ा ट्यूजडे नहीं होगा। देखो 19 तो अगले 7 दिन बाद फिर ट्यूजडे पेगा, 19 तो 7 जोड़ते 26 26 फरवरी में ट्यूजडे होगा, 26 के विच जे आप 7 जोड़ दिए कि आएगा 28 का महीना क्योंकि 2019 है फरवरी 28 का महीना होंगे, तो 7 जोड़ दिए अपना कि 5 तरीक का मार्च, 5 तरीक का मार्च भी अपना की होगा ट्यूजडे होगा। उरे देखो 6 है 6 तो हो नहीं सकता, जो 5 है ट्यूजडे 6 तो हो नहीं सकता, तो आंसर आ जूगा। बाकी भी चेक कर लें आप, ठीक है। फरवरी वाला कहड़ा अपना 5 फरवरी है, ये 7 माइनस कर दिए तो कि आजगा अपने 7 माइनस कर दिए 12 फरवरी अपना ट्यूजडे होगा, ये आप 7 माइनस कर दिए कि 5 फरवरी अपना ट्यूजडे होगा, आता ट्यूजडे बनता है ये भी ट्यूजडे आ गया, ठीक है। इस तो बाद जो आप 7 माइनस कर दिए तो कि आजगा अपने को 7 माइनस कर दिए 5 फरवरी जो आप 7 माइनस कर दिए तो अपने 5 तो गए अपना 31 का महीना गया, 31 भी गया 30 भी गया तो 29 फरवरी में 29 जनवरी में भी अपना आऊगा। इस तरीके जो अगे जाओगे तो 2 अप्रैल भी देख सकते हो, पर आप पहली कर लिया कि 6 मार्च में कि नहीं पैंता अपना ट्यूजडे नहीं पैंता। अगे बढ़ते हैं। ओके 56 क्वेश्चन कहते इन 2 स्क्वायर फील्ड द एरिया ऑफ 1 इज 1 हेक्टेयर, ठीक है। 2 स्क्वायर फील्ड ने, 2 अपने को फील्ड ने जिदा एरिया की अपने को 1 हेक्टेयर है, ठीक है। 1 हेक्टेयर का मतलब की होंगे अपने को 1 हेक्टेयर होंगे 100 × 100 मीटर, 100 × मतलब इधर भी 100 मीटर इधर भी अपने को 100 मीटर है, ठीक है। वाइल द अदर ब्रॉडर्ड बाय 5% जिहड़ा अगला ओदा 5% बढ़ाता, तो 100 दा 5% 5 हुंदा मतलब 105 मीटर ले लिया, 105 मीटर ले लिया। कहते डिफरेंस इन द एरिया, एरिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया की होंगे लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा 100 × 100 कि अपना 10,000, यदा एरिया कि अपना 10,000 मीटर स्केयर, 105 × 105 गुणा करते अपने कि आजगा 11,025, तो यह कि 11,025 मीटर स्केयर, तो दोनों डिफरेंस दसना है 11,025 मीटर स्केयर के जो आप 10,000 कट देने तो अपने को 1,025, ठीक है। 1,025 मीटर स्केयर अपना आंदा तो मीटर स्केयर से अपना, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं हैक्टेयर मीटर स्केयर के चेंज करके मतलब 1 हैक्टेयर के कि 100 मीटर × 100 मीटर होंगे, जो एरिया की गल करिए तो अगर 10,000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर स्केयर तो याद रखो क्योंकि यह मीटर है तो आंसर मीटर से कटना, तो सारा कुछ आप मीटर हैक्टेयर में पहला मीटर चेंज करा। अगे बढ़ते हैं। और 57 क्वेश्चन कहते ए बॉय इज ऑन टूर एंड ही हैज़ 240 फॉर हिज एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब वो की करना चाहता है 240 रुपये वो लेके गया टूर से,
ਵੀ 240 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਟੂਰ 'ਤੇ, ਟੂਰ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ 240 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਹੀ ਐਕਸੀਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੂਰ ਬਾਏ 3 ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੀ ਮਸਟ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਾਏ 4 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਬੋਆਏ ਟੂਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਰ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 240 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਸੀ। ਐਕਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, 240 ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, 240 ਬਟੇ ਐਕਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3, ਸੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 3 ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਿਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਟੋਟਲ, 240 ਦੀ 240 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 3 ਨਾਲ ਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 4 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 240 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਰੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, 240 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 12 ਮਾਈਨਸ 240, 12 ਪਲੱਸ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, 15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਇਹ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ, 20 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਜੂ ਆਪਣਾ, 16 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ 'ਚੋਂ 16 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਆਪਣਾ, 4, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਅਮ 'ਚ ਆਊਗਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। 58 ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਅ ਬੋਕਸ 5 ਟਾਈਮ ਐਜ ਹਾਈਟ ਐਜ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਟ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 5x, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨਾਲੋਂ, ਐਂਡ 8 ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਨਾਲੋਂ 8 ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ, ਹਾਈਟ ਨਾਲ 8 8 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੂੰ, 8 5 40, ਤਾਂ 40x ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਆਜੂਗੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ 43 ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਆਪਣਾ, 43.2 meters ਕਿਹੜਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਗੁਣਾ 5x ਗੁਣਾ 40x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ, 43.2x। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 20, 200x ਦੀ ਕਿਊਬ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂਗੀ, 43.2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂਗੀ, 43.2। ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 × 100 × 100 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 100 × 100 × 100 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 11 × 10 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ 0 ਨਾਲ ਆਹ 0 ਕੱਟ ਜੂਗੀ, ਆਹ 2 0 ਨਾਲ ਆਹ 2 0 ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 2 4 2 12, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 216, 1 2 3 4 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ, 216 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ, 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ, ਸੋਰੀ 4 0 ਦੀ, 3 ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ, 1 0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 60 ਆ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 60 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, 59 ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਏ ਨਿਊਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 flats ਆਰ ਸੋਲਡ ਫੋਰ 45 lakh, ਦੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ 45 lakh ਦੇ ਵੇਚਤੇ, ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ 45 45 lakh ਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ।
ठीक है, ऑन वन ही गेन 20%, एक तो उन्हें 20% का प्रॉफिट कमा लिया, एक तो उन्हें 20% का की कर लिया लॉस कमा लिया, ठीक है, एक तो प्रॉफिट आ गया उन्होंने, एक तो की आ गया उन्होंने 20% का लॉस आ गया, ठीक है। कहते दैन वट इज द लॉस और गेन परसेंट, टोटल लॉस पर लॉस या गेन, एक बेचता 20% के प्रॉफिट से, एक बेचता 20% के लॉस से, टोटल उन्होंने किन्ना घाटा होया क्या किन्ना लाभ होया आप दसना। देखो जो दोनों चीज़ें इको रेट से बेचिया ने ना तो एक फार्मूला होंगे उरे एक्स स्केयर वटे सौ, एक्स स्केयर वटे सौ लगाना है, जिन्ना प्रॉफिट कर जिन्ना लॉस करे वह भी बराबर है, तो जी बेचिया ने दोनों चीज़ें वह भी बराबर ने। कहते बेचिया दोनों किन्ने ने 35 लाख के ने, ठीक है, यह भी बराबर है, तो जिन्ना घाटा हो जिन्ना फायदा वह भी बराबर है, तो टोटल टोटल जो है प्रॉफिट लॉस कड़ना, देखो ये हमेशा लॉस ही होंगे, जो टोटल लॉस कड़ना है तो वह फार्मूला यह होंगे, ठीक है, बस है और एक ही एक्स की वैल्यू की आऊगी अपनी 20 अपनी वैल्यू आऊगी, तो 20 की स्केयर बटे 100, 20 गुना 20 अपना कि 400, 400 बटे 100 तो कि 4 का अपन क्यों होगा लॉस होगा, क्योंकि हमेशा लॉस होंगे 4% का अपन लॉस हो जाएगा। अगे बढ़ते हैं, ओके 68वें क्वेश्चन तक पहुँचिए आप। इफ एन अमाउंट 943 डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जोड़ा 943 और 3 भागा च वंडना है, किस प्रपोर्शन के इस प्रपोर्शन के आप दसना सैकेंड पार्ट की होगा। देखो सब तो पहला इनू की है फ्रैक्शन के नहीं आप करना, इसमें अपना एग्जैक्ट रेशो के चेंज करना, ठीक है, ये अपने को तीन आप कह सकते पार्ट्स ने या रेशो ने, हूँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू चेंज करने वास्ते यदा एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 तो 4 का एलसीएम की हो जाएगा 12, जो एलसीएम आऊगा उन्होंने उपर गुणा कर देंगे, तो 1/2 × 12, 2/3 × 12 तो 3/4 × 12, तो यह कट जो अपना 6 से, यह कट जो अपना 4 से, एक घट जो अपना 3 से, तो 6:8:9, 6:8:9 इनू हूँ आप आसान करके लिखता 6:8:9, ठीक है, तो हूँ की है टोटल कमाई कि 943 रुपये है, पर उरे टोटल कमाई कि मतलब ए न 6 मिले, बी न 8 मिले, सी न 9 मिले, तो टोटल किन्नी कमाई हुई है इतने, जो आप देखिए 9 के आप 6 जोड़े 15, 15 जो आप 8 जोड़े कि गया 23, तो कह सकते हैं कि 23 टोटल है, पर 23 कि बराबर आ गया अपना 943 के, एक ही वैल्यू कि बराबर आ जाएगी, जो आप 943 23 भाग कर दें तो 41 आ जाएगा, पूछी जी भी इन्होंने पूछी सैकेंड, सैकेंड कि 8 आ, तो 41 आप 8 गुणा कर देंगे दोनों पास, 8 ना 8 की वैल्यू दसनी थी तेन करा अपना 328, तो 328 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन थी, पर जो इसको फ्रैक्शन के चेंज करने तो पहले ईजी फॉर्म के चेंज करना पेगा, किमें करना पेगा, जिहड़ा अपना न्यूमिनेटर के होंगे ना उसका एलसीएम ले लिया करो, जो वह एलसीएम होगा उन्होंने उपर मल्टीप्लाई कर देगा। ओके 61 क्वेश्चन, कहते ए ट्रेन 100 मीटर लेंथ पास ए पोल इन 10 सैकेंड, ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी 100 मीटर लेंथ है तो पास किन्ने कर देंगे 10 सैकेंड के, ये मीटर च है, ये सैकेंड के, ठीक है, इतने क्या होगा स्पीड, स्पीड की होंगे अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कि कवर कर रही है 100 मीटर, क्योंकि आपके आप पोल जी का पोल है या ट्रेन जा रही है तो वह किन्नी डिस्टेंस चलूगी जिनी वो लेंथ होगी, तो जिनी लेंथ है ट्रेन की वो हैगी है 100 मीटर, टाइम कि 10 सैकेंड इज इक्वल टू स्पीड आ जूगा, ठीक है। अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन पास द फस्ट ट्रेन इन 12 सैकेंड, ठीक है, दूजी जो स्पीड है मतलब स्पीड पहली ट्रेन की, देखो जब दोनों आ रही ने तो दोनों एक दूजे वाल आ रहे हैं, तो पहली ट्रेन की स्पीड प्लस दूजी ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कि कवर कर रही ने, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूजी लेंथ लेंथ क्योंकि दोनों हूँ एक दूजे को कवर कर इज इक्वल टू टाइम, टाइम कि लगा रही ने 12 सैकेंड, कहते फाइंड द स्पीड ऑफ द सैकेंड ट्रेन की स्पीड दसनी है, ठीक है, पहली ट्रेन की स्पीड अपने को इतों आ गई कि आ गई अपने 10 मीटर, जिन्होंने कट दी है 10 मीटर पर सैकेंड अपनी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है, तो 10 मीटर पर सैकेंड पहली दी आ गई, दूजी की आप कढ़नी है, ठीक है, पहली लेंथ कि अपने को ट्रेन की 100 मीटर, तो 100 मीटर उरे पुट कर लो, दूजी की ट्रेन की लेंथ कि 120 मीटर, 120 उरे अपन पुट कर लो, ठीक है, टाइम कि लगा रही है 12 उरे पुट कर लो, ठीक है, अगे तो बस सोल्व करना, इधर आप करते हैं मल्टीप्लाई कर देने, जब ऐड करके कट दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देने कि 120 + 12 दूजी ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू 100 + 120 इधर कट जूगा, तो S2 इज इक्वल टू 100/12, ठीक है, हूँ आपको कट दें कि कट जूगा अपना, यह अपना जो आऊगा मीटर पर सैकेंड च आऊगा, पर इन्हें किलोमीटर पर आर च पूछे, ठीक है, जो अपने स्पीड आ रही है सैकेंड की वो 100/12 की जा रही है, मीटर पर सैकेंड जा रही है, पर किलोमीटर पर आर्च करना, किलोमीटर पर आर्च कढ़ने वास्ते आप करेंगे इसनों की करेंगे आप 18/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 18/5 करेंगे तो किलोमीटर पर आर्च आ जूगी, तो 5 के टेबल से कट जूगा 20
छे ती 18, 6 दूनी 12, एक आठ जो अपने 10 थे, तो 10 में जो 3 गुणा कर दें अपने को 30 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा, मतलब 4 अपना आंसर आ जाएगा, कितने का 4 अपना आंसर आ जाएगा। अगे बात दें, ओके 62 कैन द वैल्यू, इस दी वैल्यू दसनी है, मतलब अपने की वैल्यू दसनी है 45.45 के बीचों 43.43 जो माइनस कर दें, उस तो बाद 44.44 जोड़ दें तो कि वैल्यू आऊगी। देखो ये पहला माइनस कर दिया था कि आ जाएगा 2.02 आ जाएगा, हम 2.02 के बीच 44.44 जोड़ा तो 2 ये जुड़ जूगा कि आ जाएगा 46, 2 ये जुड़ जूगा कि आ जाएगा 0.46, 46.46 अपना ये अपना आंसर आ जाएगा। अगे बात दें, ओके 63 कहते एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वाल, आ अपनी कंध आ, आ कंध के नाल अपनी की है पौड़ी खड़ी है, ठीक है, तो जो पौड़ी का एंगल बन रहा है किन्ना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 8.6 मीटर अवे फ्रॉम द वाल, जी आ कंध है ये तो जो फुट है पौड़ी का कितनी मीटर दूर है, 8.6 मीटर दूर है। कहते फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, जी लैडर है जी पौड़ी लगी हुई है यदि लंबाई दसनी है, यदि लेंथ दसनी है। देखो यद फार्मूला जब जब भी 60 डिग्री बनता है यदा मतलब की होंगे पूरे आता हूँ रूट 3, ठीक है, याद रख लियो बेस कि होंगे 1, तो जी अपनी हाइपोटेनियस कि होंगी जिनी पौड़ी की लंबाई कि 2, ठीक है, रिलेशन होंगे जे 1 है तो उरे कि दुगना आऊगा, इतने रूट 3 आऊगा तो उरे कि 8.6 है, 8.6 का उरे की आऊगा दुगना आऊगा क्योंकि 1 का दुगना 2 होंगे तो 8.6 का दुगना उरे आऊगा, तो 8.6 का दुगना आप देखना 8.6 में आप 2 गुणा कर देंगे तो कि आ जाएगा 17.2 अपने को आ जाएगा, ठीक है, 17.2 अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना सैकेंड अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखियो मैं दोबारा दस देना जिन्होंने समझ नहीं आया, ये तो सू समझ आ गया होगा सैकेंड आया, पर जो मेन कॉन्सैप्ट समझा देना, ठीक है, जे अपने को उरे 60 डिग्री बन रहा है कि अपने उरे की बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है तो पैरीमीटर की होगा अपना रूट 3 होगा, बेस की होगा 1 होगा, ये 2 होगा, जे अपने को उरे 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो अपने को कि होगा रूट 3 होगा, उरे कि होगा 1 होगा, उरे कि होगा 2 होगा, ठीक है, ये याद रखियो। अगे बात दें, ओके 64 नंबर क्वेश्चन कहते बैडरूम इज 6 मीटर 42 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक बैडरूम है एक कमरा अपने को जिदी लंबाई कि अपने को 6 मीटर 42 सेंटीमीटर है, सब तो पहला सारे सेंटीमीटर चेंज कर लें, 6 मीटर जे मैं सेंटीमीटर चेंज करने गुणा 100 कर दूंगा तो नाल प्लस 42 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर जो चेंज करने की लड़ नहीं तो प्लस 42 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 100 600 प्लस 42, तो 642 सेंटीमीटर की आ जाऊ अपना लेंथ आ जूगी। इस तरीके 4 मीटर 62 सेंटीमीटर, 4 नू 16 गुणा कर देंगे प्लस 62, तो 400 सेंटीमीटर प्लस 62 तो 462 सेंटीमीटर अपनी की आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी, मतलब अपनी चौड़ाई आ जाएगी अपनी विड़थ आ जाएगी। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल टाइल ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर टू कवर द इंटायर फ्लोर ऑफ द बेडरूम, देखो इक्ो साइज के की करते जो टाइल ला दे जिन्होंने इटा कह सकते हैं पत्थर कह सकते हैं, ठीक है, इक्ो साइज अपने पत्थर ला दें, ठीक है, सारे कमरे के बच्चे जमीन पर आप दसना है भी दसो किन्ने इटा या किन्ने पत्थर लगे ने, लंबाई आप काढ़ी ली सेंटीमीटर 642 सेंटीमीटर, जी चौड़ाई है कि आ गई 462 सेंटीमीटर, जे एरिया क्ढ़ी आप फ्लोर का एरिया की होगा लंबाई गुना चौड़ाई एल इन टू बी, तो 642 गुना 462 गुना 462 ये आ गया अपना एरिया आ गया पत्थर का। हूँ एक पत्थर का एरिया क्ढन वास्ते आप करते हैं यदा एच सी एफ कड़ लो, तो यदा एच सी एफ कड़ लो एक पत्थर का एरिया आ जूगा, तो 662 तो 462 का जी एच सी एफ क्ढा, देखो कि दो तो पहले कट लो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 1 2 2 4 3 दूनी 6 1 हूँ किन्ने जाऊगा, यह जाऊगा अपना 3 से 3 7 21 ये बच जाओ अपना 7 21 7 21 अगे कित कटता नहीं गा, तो 3 दूनी 6 तो एक इट की जो साइज होगा वह कि होगा 6 गुणा 6 होगा, ठीक है, सारे एरिए का सारे कमरे का एरिया कर लिया, एक टाइल का एरिया कर लिया जो कि इन्हें अपना 6 गुणा 6 है, ठीक है, दोनों चीज़ें कर लिया। हूँ देखो कि नंबर ऑफ इटा लगन गया सारे एरिए जब मैं डिवाइड करता एक इट के एरिए तो अपने को नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे भी किन्ने पत्थर लगन गए, यही पूछे थे इन्होंने, कहते दसो कहते लीस्ट नंबर ऑफ ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल मतलब 6 गुणा 6 स्क्वायर मतलब स्क्वायर साइज है वह किनिया टाइल लगन गियाँ ऑफ इक्वल साइज टू कवर द इंटायर फ्लोर, जो पूरा जो कमरे का जो फ्लोर है जी धरती है उन्होंने कवर करना तो किनिया इट लगन गया, जिन्ना टोटल
ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 642 × 462, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 6 × 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 107, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ 107 ਤੇ 77, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ 77। 107 ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ 77 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9328 8239 8239 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, 8239 ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 65 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਰੀ ਆਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੋ 2:5:7। ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2:5:7 ਹੈ। ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਟੂਗੈਦਰ ਇਜ 24,000। ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 24,000 ਹੈ। ਦੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ, ਦੈਨ ਵੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਦੈਨ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 24,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਨ ਕੋਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਦੈਨ ਏ, ਏ ਨਾਲੋਂ ਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਏ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ 70 ਰੁਪਏ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ, 2, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ 2 × 100, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, 5 × 100 / 2, ਇਹ ਘੱਟ ਜੂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ, 50 'ਤੇ, 5 × 5 = 25, 2,250% ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਗਜੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 24,000 ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 250% ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, 66 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਐਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ 2 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਂਡ 2,915 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2,915 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, 2,915 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 3,152 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ 2915 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 3152 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ 3152 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1915 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 237, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, 1 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, 237 ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਜ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆਜੂਗੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 237 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 948, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 948 ਹੈ। ਪਰ ਸਮ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਸਮ ਆਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2915, ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2915 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 948 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮ ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1915 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 948 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1967 ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਜੂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਆਜੂਗਾ, ਤਾਂ 1967 ਡੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਐੱਸ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 19 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 17 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 18 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਆਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਬਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਐੱਸ 12 ਉਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿਊ 08, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪੀ 324। ਦੇਖੋ ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ए नू आपां अगे सोल्व करने की लोड़ नहीं क्योंकि अपने को आर इक्को ही सीगा। ठीक है अगे वध गया। ओके 68 क्वेश्चन, ये आप मिसिंग नंबर दसना है, आप दसना है 2, 7, 14 क्वेश्चन मार्क 34, 47, 23। ठीक है उरे कहने क्वेश्चन मार्क जो है की आऊगा, देखो यद डिफरेंस किन्ने का 5 का, यद डिफरेंस किन्ने का, यद डिफरेंस है अपने को किन्ने का 7 का। ठीक है तो 5 का 7 का मतलब ये कि जुड़ गया 2 जुड़ गया, तो ये कि जुड़ गया 9 प्लस 2 होर जोड़ दो मतलब 9, तो अगला मतलब 9 आऊगा, तो 14 च 9 जोड़ते 23, तो 23 अपना आंसर आजगा। ठीक है अगला भी देख सकते हो जो अगला देखना है, ये 9 जोड़िया प्लस 2 होर कर दो 11, तो 23 के 11 जोड़ दिए जी आप 3 + 4 = 2 + 3 = 34। ठीक है इस तरीके आप कट सकते अगे बढ़ दें। ओके 69 नंबर क्वेश्चन, कहते इफ अ मरचेंट ऑफर 15% डिस्काउंट, एक मरचेंट है एक दुकानदार है वह 15% का की दिता डिस्काउंट दिता। ठीक है 15% का डिस्काउंट दिता एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फिर भी वो फायदा उठा लेंदा मतलब लाभ उठा लेंदा 25% का। कहते दैन द कोस्ट ऑफ आर्टिकल, कोस्ट प्राइस आप दसना है आर्टिकल का एंड मेक ए विच हैज़ ए मार्केट प्राइज, तो मार्केट प्राइज मतलब MRP कितना दे रहा आपको, मार्केट प्राइज कितना दे रहा 500 रुपया। देखो आपको उ डिस्काउंट है ये अपना प्रॉफिट है ये आप CP दसना, कोस्ट प्राइज दसना आपको मार्केट प्राइज दे रहा। देखो हमेशा याद रखियो जो आप डिस्काउंट दिता जाता वो मार्केट प्राइज से दिता जाता, मार्केट प्राइज जिन्ना होंगे जिन्ना टैग लग्या होंगे भी इन्ना मार्केट प्राइज है उससे ही डिस्काउंट दिता जाता, डिस्काउंट देकर उसको बेच देता है, तो मार्केट प्राइज से डिस्काउंट देकर उसको की किया जाता सैल किया जाता। जे आप मैं मान ला कि मार्केट प्राइज 100 रुपया दी, 100 रुपये का टैग लगे हुआ जी, उस तो बाद मैं कहना कि 15% का डिस्काउंट दे दी, जे मैं उन्होंने 15% का डिस्काउंट देता 100 का 15% कि 100 का 15% कि 15, तो मैं 15 रुपये का जो डिस्काउंट देता तो उन्होंने बेचूंगा कि सैल कि करूँगा 85 रुपये का। ठीक है यदा समझ गए, फिर भी उन्हें 25% का प्रॉफिट कमा लिया, फिर भी उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कितना होता कोस्ट प्राइस से, जिन्हें मैं चीज़ लेके आई थी तो जिन्हें मैं बेचूंगा ताई मैं प्रॉफिट ले पता चलूगा, मैं खरीद के बाजारों लिया 100 की तो मैं इसमें बेचता कि 25% के प्रॉफिट से मतलब 125 का, ताई मैं 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसे CP कि 85 है, सॉरी उसे SP कि 85 है, उसे SP कि सेलिंग प्राइस कि 125 है, अलग अलग हो गए बराबर होने चाहिए ने, बराबर कर देने पहले तो इन रेशो कर लेने, इनू आप 5 से काट दें, 5 से काट के 17 आ गया, इनू 5 से काट दें कि 20 आ जाएगा, इनू 25 से काट दें अपने को 5 आ जाएगा, इनू 25 से काट दें अपने को 4 आ जाएगा, उरी सेलिंग प्राइस कि 5 आ गया, उरी सेलिंग प्राइस कि 17 आ गया, बराबर करने वास्ते उपर नीचे 5 नाल गुणा कर देने, इधर किन्ने से कर देने 17 नाल गुणा कर देने, 17 × 5 कि अपने को 85, तो सेलिंग प्राइस कि आ गया अपने को 85, तो उरे MRP मतलब B नू आप 5 गुणा कर दें कि आ जाऊगा अपने को 100। ठीक है उरे सेलिंग प्राइस ते कोस्ट प्राइस की रेशो कर लेने, 17 × 5 ने गुणा कर दें कि आजगा 85, तो उरे CP 17 × 4 ने गुणा कर दें 68। ठीक है उरे CP कि आ गया अपना सेलिंग प्राइस कि आ गया 85 आ गया, उरे सेलिंग प्राइस कि आ गया 85 आ गया। हूँ पूछा की है कहते अपन मार्केट प्राइस कि 500 है, मार्केट प्राइस कि 100 आ रहा है, उरे कि 500 आ रहा, मतलब इनू 5 ने गुणा किया होगा, 5 ने गुणा करेंगे तो 500 होगा, सेलिंग प्राइस में भी आप करा 5 ने गुणा कर देंगे मतलब 68 भी आप करा 5 ने गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40, 4 × 6 = 30, 34 = 340 अपना आंसर आजगा, 340 ये अपना आंसर आजगा। ठीक है अगे बढ़ते हैं। ओके 17वां क्वेश्चन, कहते एवरेज मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्याऊ इज 8,250। ठीक है यहाँ मैं आइडिया दे देना, इन्हें तुम आप सोल्व कर लियो, कैलकुलेशन ये हैगी है। ठीक है एक ट्रिक ना करी दूँ, छोटा ट्रिक ना फिर तुम कोई दसूँगा, पहला देखो एवरेज सैलरी का मतलब की है, पी तो क्याऊ की जी एवरेज सैलरी है मिला के कि बनती अपने को 8,250 बनती है, तो पी तो क्याऊ की जी सैलरी है कि बनेगी एग्जैक्ट सैलरी, तो 2 इधर गुणा आजगा 8,250 = 2 आजगा। ठीक है इस तरीके आप क्याऊ तो आर की क्याऊ तैयार कर लाँगे, क्याऊ प्लस आर 7,650 2 ना गुणा कर लाँगे, तो यदि एवरेज मंथ सैलरी ऑफ पी एंड आर से पी तैयार कर लाँगे, पी तैयार की कर लाँगे 9,000 × 2। ठीक है ये अपने को पी तो क्याऊ सैलरी आ जाएगी, क्याऊ तैयार की आजगी, पी तैयार की सैलरी आजगी, तिना की सैलरी आ गई। ठीक है एवरेज सैलरी ऑफ पी क्याऊ आर, पी तो पी प्लस क्याऊ प्लस आर की एवरेज सैलरी आप दसनी है। देखो सब तो पहले इन्हें इस साइड में आप ऐड कर लाँगे, साइड करके ऐड करके 2P 2Q 2R आ जाऊ। ठीक है उरे ऐड करके कोई वैल्यू आ जाऊगी, ये भी जो 2 कॉमन कर लियो, 2 कॉमन कट के इधर डिवाइड कर दियो। ठीक है डिवाइड करके सब तो PQR की वैल्यू आ जाऊगी, जो एवरेज पूछिए तो 3 भाग कर दियो, सब एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है
ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ 16,600 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ 71 ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟ ਆਫ 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ 46.25, ਠੀਕ ਹੈ 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 46.25 ਹੈ, 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ ਆ ਕਿੰਨਾ 46.25 ਹੈ, ਜੇ 12 ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 46 ਨਾਲ 46.25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 555। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 48.15 ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 18 ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 48.15 ਦਾ, ਜੇ 18 ਨੂੰ 48.15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 86.67, ਠੀਕ ਹੈ 86.7 ਬਣ ਜੂਗਾ। 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, 18 ਦਾ ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.7 6 5 11, 1 6 5 11, 1 12, 1 8 ਅਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 13 ਅਤੇ 1 14, ਠੀਕ ਹੈ 14, ਤਾਂ 14 21.7 ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਟੋਟਲ 30 ਨੇ, ਤਾਂ 30 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 47.39, ਠੀਕ ਹੈ 47.39 ਆਜੂਗਾ, 47.39 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਜੂਗੀ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਗਜੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 46.25 ਅਤੇ 48.25, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਸਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦਾ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਰਸਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਈਚ ਅਦਰ ਓਨ ਏ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਏ ਉਰੇ ਹੈ ਬੀ ਉਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਫਸਟ ਮੈਟ ਆਫਟਰ ਏ ਰਨ 50 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋਨੇ ਆ ਕੇ, ਏ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ 50 ਮੀਟਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੀਟ ਆਫਟਰ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਗ ਗਿਆ, ਬੀ ਕੀ ਇੱਧਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੇ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਉੱਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਰੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 50 ਮੀਟਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਰੋ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਏ ਉਰੋ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੀ ਉਰੋ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ 100 ਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 75 ਚੱਲਿਆ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 75 ਚੱਲਿਆ, ਏ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ 100 ਮੀਟਰ, ਏ ਉਰੋਂ ਚੱਲਿਆ 100 ਮੀਟਰ ਉਰੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਰੇ 75 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਚੱਲਿਆ 175 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਉਹ ਕਿੰਨੀ, 175 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੁਛ। ਓਕੇ 73 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੋਟ ਇਜ 1920 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੋਟ ਹੈ, ਪਲੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1920 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 1920 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਫ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਜ 20% ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਐਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ 120% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ 100 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 120 ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਐਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 100 ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਜੂਗੀ ਚੌੜਾਈ ਆਜੂਗੀ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ 120 ਐਕਸ ਆਜੂਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ 0 ਘੱਟ ਜੂਗੀ, 2 'ਤੇ ਘੱਟਿਆ 6, 2 'ਤੇ ਘੱਟਿਆ 5, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਐਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਐਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 6 ਐਕਸ, ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1920 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 5 3 15, 8 5 40, 5 4 20, ਫਿਰ 6 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ 6 5 36, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 6 4 24, ਤਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਐਕਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 64, ਅਤੇ 64 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਇੱਧਰ ਆਜੂ, ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 64, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੱਸਣੀ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਕਸ, ਤਾਂ 5 ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 8 8 5 40, ਤਾਂ 40 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ। ਓਕੇ 74 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨੂ ਗੋ 12% ਲੈੱਸ ਦੈਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ 12% ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਨੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ,
जिन्हें पासिंग मार्क्स चाहिए थे वो 12% पासिंग मार्क्स उन्होंने घट आए हैं, ठीक है घट आए हैं अनु के। तो उस तो बाद कहते मलानी गोट 18% मोर दैन द रिक्वायर पासिंग मार्क्स, जी मलानी के मार्क्स आए हैं पासिंग मार्क्स नालों 18% ज़्यादा आए हैं, मतलब पासिंग मार्क्स प्लस जिन्हें 18% ने प्लस कर देंगे उन्ने ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो उस तो बाद कहते कहते डिफरेंस बिटवीन देर मार्क्स 24, दोनों के जो मार्क्स का डिफरेंस कि 24 नंबर का, तो डिफरेंस आप कर लेने ज़्यादा नंबर किन्ने दे मलानी दे, पहला मलानी दे लिखा एक्स प्लस एक्स इंटू 18/100 माइनस एक्स, जब ये बाहर माइनस अंदर जाके क्या होता प्लस हो जाता, तो प्लस एक्स इंटू 12/100 इजिकल टू 24 के बराबर आ जाऊगा, ठीक है। ये एक्स नाल एक्स कट जूगा, ये एक्स एक्स वटे 100 तो एक्स वटे 100 की आ जाऊगा कॉमन आ जाऊगा, एक्स वटे 100 कॉमन आ जाऊगा, तो 18 के 12 जुड़ जूगा कि आजगा 30, तो यह कि बराबर है 24 के बराबर है। हम आप कट देने 0 नाल 0 कट जूगा, ये कट जूगा अपना 3 के पहाड़े से कट्टा 38 24 तो एक्स की वैल्यू कि आजगी, यह 10 इधर मल्टीप्लाई हो जूगा तो 80 कि पासिंग मार्क्स ने, ठीक है। सो समझ आ गया होगा, अगे बढ़ते हैं। ओके 75 नंबर क्वेश्चन कहते वट लीस नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टड फ्रॉम 21,369 सच दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 124। कहते ये कि आप माइनस कर दिए, देखो आ जी वैल्यू ना डिवाइड नहीं होंगी पूरे 124 के, कहते ये कि आप माइनस कर दिए कि जो बाकी बचूगा वो 124 के भाग हो जाए। यह आसान तरीका की है, इन भाग कर लो, भाग करके थोड़े को आजगा रिमाइंडर आजगा बाकी बचा हुआ आजगा, वो बाकी बचा हुआ ये माइनस कर दो तो जोड़ा आजगा तो थोड़ा को एग्जैक्ट वैल्यू डिविजिबल की आजगी। नहीं समझे मैं कोई छोटी जी वैल्यू लेके समझाना, आप देखना है भी 7 के आप कि माइनस कर दिए कि 2 से भाग हो जाए। हूँ तुम किमें करोगे, पहला इन 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे तो 6 से 2 3 6 होंगे तो 6 से कट जूगा, बाकी कि बच गया को 1 बच गया, ठीक है। तो यह मतलब की है जे मैं 7 के 1 माइनस कर दा तो पूरा पूरा भाग हो जूगा, तो यह मतलब आई 1 की रिमाइंडर की, तो मैं 7 के 1 माइनस कर दूंगा तो कि 6 एक ऐसी वैल्यू है जी मेरे 2 से भाग हो जूगी। तो इन्होंने यही पूछा भी कि आप माइनस कर दिए। सेम चीज़ आप हूँ ये व्डे क्वेश्चन ना करा, ठीक है। आप करेंगे 21,369 124 डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड जब आप करेंगे तो अपने कोल किन्ने दे कट जूगा 172 दे कट जाएगा तकरीबन, ठीक है। जब इन सोल्व करोगे 172 दे कट जूगा, तो उस तो बाद 31 रिमाइंडर आ जूगा। यह मतलब की है जे मैं कट्टना है तो ये मैं 31 माइनस कर दूंगा, जब 31 माइनस कर दूंगा 124 तो एग्जैक्टली कट जूगा। यही पूछे भी बस भी कि आप सबट्रैक्ट कर दिए तो कि सबट्रैक्ट करेंगे 31 करेंगे तो 31 अपना आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन की कुछ है नहीं खास। और 76 नंबर कहते प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एन, ठीक है। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है मान लो ए ते बी का, जो दो नंबर ने प्रोडक्ट कि 40 46 है। एच सी एफ कि 17 है, एच सी एफ का मतलब की है भी एक वैल्यू 17 एक्स होगी दूजी वैल्यू 17 वाई होगी, क्योंकि ये 17 17 कॉमन है। एच सी एफ का मतलब यह है भी दोनों में एक वैल्यू कॉमन है, वो कि 17 एक्स 17 एक्स है, बाकी कुछ भी हो सकता है आप एक्स वाई मान ली। दैन नंबर ऑफ सच पेयर इज, देखो दो नंबर अपने को आ गए 17 एक्स 17 वाई दो नंबर आ गए, दोनों का गुणा करके कि 40 46 आ रहा, ठीक है। पहले तो अपन इन कट दें 40 46 कट्टे, जब इन तुम कट्टोगे 17 17 मतलब इसमें इसे कट्टोगे तो थोड़े को 14 आऊगा, तो एक्स से वाई की वैल्यू कि आ जाएगी, थोड़े को 14 आ जाएगी। हूँ दो दस भी एक्स की वाई की वैल्यू कि हो सकती है, एक ही होंगे ने प्राइम नंबर होंगे ने, ठीक है। अगे अगे नहीं कट सकते, जे एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू कि होगी 14 हो सकती है, जे एक्स की वैल्यू कि होगी 2 होगी तो वाई की वैल्यू कि 7 हो सकती है, होर कि ले सकते होर कोई नहीं ले सकते। तक दो पेयर बनते तो यही पूछा थी कि पेयर है जो बनते, तो दो पेयर बनते सी अपना आंसर आएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ए टावर दैन द एंगल एलीवेशन। मैं थोड़ा फिर पहला भी दसा इस तरीके का क्वेश्चन, इस की है कहते जी शैडो है जी शैडो बन रही है आठ अपने को टावर है, टावर की जी शैडो बन रही है बन रही है √3 टाइम, ठीक है। √3 टाइम ऑफ द टावर कि अपना 1 होंगे ये कि 2 होंगे। दैन द एंगल ऑफ एलीवेशन, मैंने कहा जो √3 होंगे तो एंगल ऑफ एलीवेशन हमेशा कि 30 डिग्री होंगे, ठीक है। इसमें मैं पहले करा चुके एक आजगा। ओके 78 नंबर क्वेश्चन, इफ ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सैकेंड क्रॉसिंग ए पोल इन 18 सैकेंड, ठीक है। स्पीड कि ट्रेन की 30 मीटर पर सैकेंड है, वो की करती है एक पोल न कवर करती है, तो पोल न कवर करती है मतलब आपकी लेंथ कवर करती है, तो यह मतलब की है कि आपकी लेंथ में कवर करती है 18 सैकेंड के 18 सैकेंड लैस दैन द टाइम इट रिक्वायर, ठीक है। 18 सैकेंड लैस है मतलब पहला टी टाइम लग्या थी हूँ कि लगे 18 सैकेंड लैस लगे, ठीक है। इन्ना टाइम लगे रिक्वायर टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 4 टाइम द लेंथ एट द सेम
स्पीड, ठीक है, पहले बाद चो जो उस प्लेटफॉर्म नु कवर कर रहा है तां भी सेम स्पीड है, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इतने की आजगी हूँ दोनों चीज़ा ने, ट्रेन भी आ रही है तो प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म आ खड़ा ट्रेन उ आ रही है, तो कि डिस्टेंस चलूगी जिनी आपकी लेंथ है तो जिनी प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी 4 गुना है, तो पहले आपकी लेंथ है प्लस 4 गुना प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 4 गुना ट्रेन की लेंथ नालों, तो टाइम कितना लगे टी लगे, क्योंकि इन्हें कहा नहीं भी पहला कितना टाइम लगे जो 18 घट लगे, पहला टी लगे थी हूँ, तो जो उन्हें पोल कवर कर टी -18 लगे थी। हूँ आप दसना ट्रेन की लेंथ दसनी है, अपने को दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन आप सोल्व करेंगे टी आप लेंथ काट लेंगे, ठीक है। तेन किमें सोल्व करेंगे, देखो सब तो पहले आप करते हैं इन्हों की करते बराबर कर लेंगे, जब इधरली साइड बराबर है तो इधरली साइड भी बराबर हो जूगी, तो एल डिवाइड बाय टी -18 इज इक्वल टू एल प्लस, देखो यह एल ए 4 एल है कि टोटल हो गया 5 एल, तो 5 एल इज इक्वल टू टी, ठीक है, एल ना एल अपना कट जूगा, ए टी इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई जूगा, टी इज इक्वल टू 5 टी, ठीक है, तो 18 तो माइनस 18 पाँच कि 90 90 इधर टी माइनस चाहूगा, ठीक है, ये 90 इधर माइनस इधर प्लस चाहूगा, 90 5 टी ए टी इधर माइनस आ गया 4 4 टी, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, ये आ गई अपने को कितनी आ गई, ये आ गई 90/4, कट नहीं रही एग्जैक्ट, आप मान लेना 45/2 45/2 सैकेंड लगे, हूँ लेंथ की क्डनी है कितने भी वैल्यू पुट कर लो आप, ठीक है, उरे पुट कर लें, तो 30 इज इक्वल टू ये कि आ गया 5 एल इज इक्वल टू 45 गुना 2, ठीक है, ये कि 5 दूनी 10 0 0 कट जूगी, तो 45 नू 3 गुना कर दें तो कि आ जाऊगा एल की वैल्यू होगी 135, ठीक है, 135 अपनी लेंथ आजगी। अगे बढ़ते हैं, ओके 79 क्वेश्चन, कहते फ्रूट सैलर हैड सम मैंगोज, एक फ्रूट सैलर है वो कुछ मैंगो ने, आफ्टर सैलिंग 30% ऑफ मैंगो ही स्टिल हैव 133 मैंगो, देखो 100% मैंगो दिखे 30% उन्हें मैंगो बेचते, बचे किन्ने होंगे 70%, जो 70% मैंगो ने कहता 133 के बराबर ने, ठीक है, जो मैंगो बचे ने कि 133 ने, ठीक है। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव बिगनिंग, बिगनिंग के 100% थी, तो 70% की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 133 आ रही है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 133/70, तो 100% की दसनी थी तो 133/70 × 100 0 0 कट जूगी, ठीक है, 7 से पढ़ के कट्टी है 7 9 7 63 तो कि आ जूगा 190, तो किन्ने जीरो को शुरू 190 की अगर बढ़ दें, ओके इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 20%, जे एक सर्कल है वह जो रेडियस है वह 20% के हिसाब से घटा दिता जाए, कहते दस टोटल एरिया कि घटूगा, देखो टोटल एरिया घटाने वास्ते टोटल एरिया कि होंगे पाई आर स्केयर होंगे, मतलब दो बार घटूगा, तो फार्मूला होंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ये टो मतलब जो दो बार एक्स मतलब दो बार कि घट रहा है भी घट रहा है, पहला भी भी फिर भी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी भी आ जाएगी, घट घटिया गया तो माइनस आऊगी, ठीक है, माइनस आऊगी, तो माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स की वैल्यू होगी -20, वाई की वैल्यू होगी -20 प्लस -20 × -20 इज इक्वल टू 100, आ फार्मूला याद रख लियो, टोटल कितना चेंज आया वो वास्ते होंगे, ठीक है, ये कि आ गया -40 -± +, तो 400 + 400 × 100, तो 40 के 4 प्लस कर देने -40 के 4 प्लस कर देना कि -36, तो -36 घट जूगी, माइनस का मतलब की है भी -6 मतलब घटना, तो कि घट जूगी 36 घट जूगी, अगे बढ़ जाओ, ओके अपना मैथ का पोर्शन खत्म, हूँ इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश में आप क्विकली करेंगे, ये की एरर दसना थी, देखो एरर रवि हैज़ बीन लिव्ड इन द सिटी फॉर द पास्ट 7 ईयर, देखो हैज़ बीन आ गया, हैज़ बीन देना लिव्ड नहीं आता, ठीक है, ये लिविंग आऊगा, ये किहड़ा टेंस हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज आ गया, ठीक है, कॉन्टीन्यूज आ गया, तो लिव्ड नहीं आता, तो इतने की गलत आजू अपना बी आजूगा, तो सॉरी सी आजूगा, हैज़ बीन लिव्ड नहीं आता अगे वाले, क्योंकि पास्ट परफेक्ट लिविंग आ जाएगा, हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी, ओके 82 नंबर क्वेश्चन, 82 जो अपना हैगी है सिकुएंस है, ये आप कुछ सेंटेंस दे रखे ने, इन्हें तो देखना भी सिकुएंस की आऊगा, आह कि S1 का मतलब S5 का मतलब कि भी रिजिट है, पहला ही आऊगा ये लास्ट आऊगा, विचकार दसो कि आने, देखो थोड़ा जी मैंने पता धुंधला है क्योंकि जो मैं ज़्यादा इन खोल के लिखता तो मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं आना, ठीक है, तो करके थोड़ा धुंधला लिखे, आप विचकार की आऊगा ये दसना है, कहते वर्ड
वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ वन और मोर सिलेबल्स, ठीक है, एक तो ज़्यादा सिलेबल होंगे ने, ये तो अगला की होगा। देखो इतने सिलेबल की गल करिए, जो अगला होगा उतने सिलेबल की शुरुआत होगी, क्योंकि इस सिलेबल ने खत्म नहीं कराया। तो इतने की आ सकता है, इतने अपना बन सकता है जिसे देखो इन ईच सिलेबल, ये की आ सिलेबल आल्सो, ये मतलब इन्हें एक्सप्लेन नहीं करे, ये की इन ईच सिलेबल देयर आर वन साउंड यूजली अ वोवल दैट इज मोर प्रोमीनेंट दैट रेस्ट। तो कि बन सकता अपना एस बन सकता, एस वाला कि आ गया पहला, ये भी गया, ये भी गया, तो हूँ आर आ सकता, क्या हुआ सकता। इस तो बाद भी सिलेबल की गल होगी, क्योंकि पहले सिलेबल की गल करी, हूँ सिलेबल होर डिफाइन करूँगा, अगे क्लासीफाई करूँगा। कहते पहले तो गल इन ईच सिलेबल देयर इज वन साउंड यूजली अ वोवल दैट इज मोर प्रोमीनेंट दैन द रेस्ट, उस तो बाद होगा आर आ सकता। कहते अ सिलेबल आलसो करोसपोंडिंग टू द चेस्ट पल्स एंड मसलर मूवमेंट पुशिंग द एयर एयर आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। उस तो बाद एस आर आ सकता, उस तो बाद कि बच गया, क्या बच गया, तो अपना सैकेंड आंसर हो सकता है, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, ओके, सेम क्वेश्चन ये आ गया। कहते सिलेक्ट द करैक्ट ऑर्डर ऑफ द पास्ट, मतलब ये कि आप करैक्ट ऑर्डर के लिखना, ठीक है, करैक्ट ऑर्डर लिखना। ये एक सेंटेंस दे रखे द बेबी बर्ड, ये थोड़ा आसान है, तो करके तुम आसानी ना समझ जाओगे। कहते द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड की लिखो, बेबी बर्ड आस्कर मदर, ठीक है, पहले डी आ जाऊगा, क्योंकि बेबी बर्ड आस्कर मदर ही होगा, बेबी बर्ड ऑल डे, बेबी बर्ड हैज बीन तो नहीं आता, बेबी बर्ड आस्कर मदर। उस तो बाद वेयर शी हैड बीन ऑल डे, मतलब बेबी मदर, बेबी बर्ड अपनी मदर तो पूछता कि पूरा दिन उसकी मदर कितने थी, ठीक है। द बेबी बर्ड आस्कर मदर वेयर शी हैड बीन ऑल डे, ठीक है। तो एवं भी देख सकते हो, कुछ हैड बीन तो पहले की आऊगा, एक सब्जेक्ट आऊगा, तो सब्जेक्ट कितना अपना शी आ गया, तो यह मतलब की है सी तो बाद बी आऊगा, तो सी तो बाद बी अपने को दीगा, ठीक है। बाकी तो वैसे भी गलत हो गई है, ठीक है, ये भी गलत हो गया हो गया, तो ये दीगा, फिर पहला ए नहीं आ सकता ना ऑल डे, ठीक है, ये की बनेगा डी सी बी ए बनेगा, आस्कर मदर वेयर शी हैड बीन ऑल डे, तो यह आंसर ही आ जाओ अपने को ए आ जाऊगा, डी सी बी ए। ओके 84 क्वेश्चन नंबर, कहते सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो ये वर्ड अंडरलाइन किया है, यह एंटोनियम दसना, यह अपोजिट वर्ड दसना। कहते द सेंट कॉल्ड अपॉन हैज फॉलोअर टू गिव अप मुंडेन प्लेजर, ठीक है, मुंडेन का अपोजिट वर्ड की होंगे, देखो मुंडेन होंगे दुनियावी, जो दुनिया नाल रिलेटड हो, पर दुनियावी का अपोजिट की होंगे स्पिरिचुअल, जो आत्मिक हो, बार जो ऑब्जेक्टिव हो, दुनिया समान पैसा धन दौलत गड्डी, ठीक है, वह हों दुनिया भी होंगे म्यूनडेन, पर जो स्पिरिचुअल होंगे वह आत्मिक होंगे, तो अपोजिट की हो जाएगा सी स्पिरिचुअल। ओके 85 नंबर, देखो 85 के आप चार सेंटेंस दसने, आप दसना भी ये कि सही है, बाकियों के ग्रामैटिकली एरर होगा, तो ये एक सही होगा, वह आप दसना। देखो इस आप कह रहे हैं भी उसको कंसल्ट करने की सलाह दे रहे हैं, भी फिजिशियन को जाके कंसल्ट करो, उस बारे पूछो कि थोड़ी बीमारी, ठीक है, तुम भी अपनी बीमारी बारे कंसल्ट करो, अपनी बीमारी बारे पूछोगी तो फिजिशियन तो, जब भी आप कंसल्ट करने की गल करते हैं तो वो हमेशा हैड यूज होंगे, ठीक है, हैड बैटर आऊगा, क्योंकि हैड यूज होंगे, जब आप शुड डू विच आर डिजायरेबल इन स्पैशल स्पैसीफिक सिचुएशन, ठीक है, इसे हैड बैटर ओर, ठीक है, हैड बैटर ओर वाला सेंटेंस यूज होगा, तो हैड उरे हैगा ओर उरे हैगा, ठीक है। यू हैड बैटर कंसल्ट ए फिजिशियन और यू विल सिक, कि सू कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तुम की हो जाओगे बीमार हो जाओगे, ठीक है, नहीं तुम बीमार हो जाओगे, तो यह आंसर किया जाऊ अपने को तीजा आजूगा। ओके 86 नंबर, कहते सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, अंडरलाइन जो वर्ड है, देखो अंडरलाइन है, इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग दसना। ही इज होटी एंड डज नॉट लिसन टू एनी वन, होटी जो वर्ड है, इज द सेम मीनिंग, देखो होटी का मतलब होंगे हंकारी, जो हंकार करता उसको कहते हैं होटी, कहते हैं इसका सेम मीनिंग की होगा एरोगेंट, जो एरोगेंट होंगे वह भी की होंगे अहंकारी होंगे एक तरीके से, सही आंसर आजगा, सिमिलर मीनिंग की बन जूगा, फोर्थ बन जूगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम अपोजिट दसना है अंडरलाइन का, रिलेक्टेंट की होंगे, देखो ही वॉज रिलेक्टेंट टू लीव द विलेज फॉर द जॉब ही लाइक द मोस्ट, झिझकना किसी कम करने झिझकना, जो कम करना तो चाहते हैं पर आप करते हैं क्योंकि आप झिझकते हैं, रिलेक्टेंट की होंगे झिझकना, पर इहदा अपोजिट की आजूगा विलिंग, विलिंग की होंगे मैं इच्छा करना, मतलब झिझकता नहीं है करना चाहता है वो, तो विलिंग आजूगा, ठीक है, यहाँ अपोजिट की आजूगा विलिंग आजूगा। ओके 88 फाइंड द वर्ड विच इज स्पैल्ड करैक्ट, इन्होंने कि वर्ड स्पैलिंग सही ने, ठीक है, तो यह सही आंसर आजूगा तीजा, सी ओ एन टी आई एन यू यू एन, यहाँ मतलब कि होंगे निरंतर,
निरंतर होंगे, ठीक है मतलब। ओके 89, कैन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ये की होगा ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। मैं तुम्हें आंसर दस देना, कहते वैन वाज लुक डाउन एंड वाक वी कैन बंप इन टू पीपल एंड थिंकल एंड थिंग्स, मतलब पीपल एंड थिंग्स कि टकरा सकते हैं जब आप लुक डाउन तो वाक करते हैं, कि टकरा सकते हैं पीपल लोगों के बीच चीज़ों के बीच, कि चीज़ा जिम्मे पोल कोई खंबा है या कोई दरख्त है, यह कह रहा है इन टू इन टू पीपल एंड थिंग्स। ओके 90, कहने सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, कि एप्रोप्रिएट आ सकता है वैन वी लुक लुक अप एंड वाक वी वी कैन ट्रिप ओवर थिंग्स ऑन द रोड, की होगा अप आऊगा। ओके 91, देखो 91 की होगा द फॉलोइंग फाइव, देखो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन रूलर, ये आप अरेंज करने आप उन्हीं करके हटे उस तरीके अरेंज करने ने मौर्यन रूलर, ठीक है। हूँ रूलर की गल करिए अगे की करूगा एक्सप्लेन करूगा, द किंग वाज मूवड नॉट ओनली बाय द नहीं आफ्टर द असैशन टू द थ्रोन अशोका, देखो ये की है अशोका की गल हुई अगे की हो रही है आर्च अशोका की गल हो रही है, ये क्या हो जो थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड, पहला लड़ाई की गल नहीं हुई, देखो ये की है थाउजेंड पीपल मारे गए, क्या वो कह रहा थाउजेंड पीपल मारे गए, तो ये पहला वार की गल होगी, तो ये कि आर्च हो रही है, आर के हो रही है कि आफ्टर द असैशन ऑफ द थ्रोन अशोका फोर्ट द कलंगा वार, तो क्या तो पहला की होगा अपना आर आऊगा, क्या तो पहला की होगा अपना आर आऊगा, तो क्या तो पहला आर अपना सिर्फ दो च है, क्या तो पहला आर, क्या तो पहला आर, ठीक है। तो इस तो भी पहला अपना की आजूगा, ठीक है, क्या तो पहला आर, तो उस तो बाद होगा थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वार, द किंग वाज मूव नॉट ओनली बाय ग्रुनसम मैसेकर बट आल्सो बाय द सफरिंग ऑफ पीपल, तो ये बाद होगा ऐसा होगा, ठीक है, द किंग वाज मूवड नॉट ओनली बाय द ग्रुनसम मैसेकर, ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो बाद गल करी गई भी मैसेकर होया बहुत वड्डा खूनी कांड होया थी, आल्सो बाय सफरिंग द पीपल, तो पीपल भी बहुत सफर करे थी, तो क्या आर क्या हुआ ऐसा, तो सैकेंड अपना आंसर आजगा, ठीक है। ओके डैश आ यूनिवर्सिटी, यू की आवाज आ रही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी तो की लगता हूँ, ये लगता हूँ आ यूनिवर्सिटी इज ए पीपल फॉर नर्चरिंग थॉट्स एंड लिबरल थिंकिंग, ये आऊगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 115 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। 94, कैन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, देखो किन्ने करा दे आप 43 करवाते, ठीक है, इस दे ऑप्शन इसका आंसर तुसी दसो, 94 दा तुसी दसो, 95 दा तुसी दसो, चलो 95 दा मैं तुहानू दस देना, यह कि ईडीएम है जी, ईडीएम याद नहीं है कि ड्राई अप की हों अपना बी क्वाइट हों, ठीक है। 96 दा दसो, ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी दे स्पैलिंग सब नू आंदी ने, ठीक है, 96 दा, 94 दा, 96 दा, 97, 98, 99 ते 100, ठीक है, किन्ने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, आप कर दें 5 कर दें, 96 भी मैं दस देना, स्ट्रैटेजी स्पैलिंग होंगे ने पहले STRATEGY, ठीक है, स्ट्रैटेजी, हूँ थोड़े को किन्ने हो गए, 5 हो गए, 94 97 98 99 100, तुम्हें की करना है क्वेश्चन का नंबर लिखे उसका आंसर लिखना, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा, ठीक है, उसका मैं हार्ट दे दूंगा, तो तुम समझ लियो जिन्होंने हार्ट दिता मैं उसका आंसर ये सही है, ठीक है, एक बार तुम्हें मैं दिखा देना यही है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर, ठीक है, इस विच एरर दसना, इस की है करैक्ट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, हूँ ही आप करके हटे इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, ठीक है, विच इज़ द करैक्ट ऑर्डर टू पार्ट द सेंटेंस, यदा भी आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना 99 का, ठीक है, ये ग्रामेटिकल एरर कटने, तो किन्ने टोटल 5 क्वेश्चन ने, तो तुम 5 का आंसर लिखना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, ठीक है, तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो जे थोड़ा इसकी PDF चाहिए तो थोड़ा मैं दसता कितने मिलेगी, सरकारी 99 कट्ठा लिखना टैलीग्राम चैनल पर, या उत्थे मिल जूगी, या ओल्ड स्कूल लिख लियो, ओल्ड स्कूल एजुकेशन अलग अलग लिख लियो, उत्थे मिल जूगी, ठीक है, इन दोनों चो किसी एक मिल जूगी, ठीक है।
ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।